ऑल राइट, नमस्ते, एक सेकेंड ना, मेरे को एक बार देख लेने दो। ओके एवरीवन, प्लीज ऑनलाइन लाइव वाले मुझे एक बार बता दे कि आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, देन वी कैन स्टार्ट। आप सभी रसगुल्लों को मेरी आवाज आ रही है क्या, एक बार बता, ऑनलाइन लाइव। ये संतोष, मेरे को इसमें कमेंट्स नहीं दिख रहे, एक बार कमेंट दिखा दो। मेरे को पता कैसे चलेगा उनको, चैट ऑफ किया है क्या, अभी चालू करो। एक सेकेंड, पंकज सर क्यों फोन कर रहे हैं। हेलो, टी वाली साइड तिकडे जाऊ दे। हां टी वाली तिकडे। ऑल राइट, छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृष्णा सचिन कहाँ है, कहाँ पे है? ठीक है, सचिन उस तरफ रुकेगा, तुम इधर रुको और किसी बंदे को एक उधर भी रोको, ठीक है? तो ना, हेलो, हाँ अभी थोड़ा सा यार, क्या है यार, हाँ अभी करने दे, अभी कुछ घाई मत करो, अभी मेरे को बैच लेने का है, अभी कुछ घाई मत करो, शांति से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड डोंट पैनिक, इट्स ओके, इट्स ओके, होता है। हेलो हेलो, ऑनलाइन लाइव आप देख पा रहे हो क्या मुझे? यार मेरे को चैट नहीं दिख रहा है इनका। कृष्णा तू एक बार देख सकता है क्या, दिख रहा है क्या उनको? हेलो हेलो हेलो, आप देख पा रहे हो मुझे? नमस्ते 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 बेटा, एक दो मिनट शुरू कर रहे हैं, जस्ट गिव अस सम टाइम, वी आर स्टार्टिंग अप। देखो क्या होता है ना, कई बार बाद बच्चे बोलते हैं ऐसा कि सर ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ, क्यों नहीं, वाई डिड नॉट यू स्टार्टअप। वी डिडंट नो कि इतनी नंबर, मतलब पहले जैसे बैचेस होती है उससे आएंगे लोग, वी डिडंट नो दैट, क्योंकि इफ यू सी ये क्लासरूम अभी खोला है एंड इट हैज बीन ओपन आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, जो कंबाइंड क्लास है ये अभी खोला गया, सो वी थॉट दैट ओनली दिस पार्ट वुड बी यूटिलाइज एंड दैट्स हाउ द प्रॉब्लम हैपेंस, दैट्स हाउ, बट देन आई रिस्पेक्ट देम ऑल, क्योंकि घाई गड़बड़ कर फिर भी किसी तरीके से यू नो दे हैव गॉट दैट इंटेंशन कि किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है कि नहीं है? तो अभी आपको थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा आज, ये बात में शक नहीं है, बट हवा चालू हो गया, बट खरखर है ना, तो थोड़ा सा आवाज कम कर दो फिर, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बिंग है, मेरे को इधर डिस्टर्ब हो रहा है तो उनको तो कान में त्रास होना रहा, सुन तेरना, हाँ ठीक है, सो आई थिंक अभी ये ओके है क्या, मैं ऐकू ये तो है तुम्हारा, ठीक है चलो, अभी सभी लोग पूरे सीधे बैठ जाएंगे, सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे क्लास में एकदम सीधे, मैं जब बोल रहा है सीधे बैठने का, सीधे बैठ जाने का, ठीक है हाँ, सो पूरी क्लास एक बार एकदम सीधे बैठ जाओ और जल्दी से अभी एक बार प्यार से गुड आफ्टरनून बोलो, तो मजा नहीं आया। ऑल राइट, जो जो बच्चा नहा धो के आया सुबह, नहायो आज, ब्रश किया आज, ऑल राइट, तो एक प्यारी सी स्माइल थोबड़े पर लेके आ, सो यू नीड टू स्माइल एवरी सिंगल डे व्हेन यू कम इन माय क्लास,
रोतले बच्चे नहीं चाहिए। सीरियस बच्चे कहाँ होते हैं? यू ऑल नो इट, सीरियस लोग, सीरियस बच्चे आईसीयू में होते हैं। तुम सोचते जरा आईसीयू के भी बहुत फायदे, नर्स वर्स है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। वाई? यू आर सीरियस। समझ में आ रही है बात ध्यान में? सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दैट यू नीड टू कीप ऑन स्माइलिंग व्हेन यू आर देयर इन माय क्लास। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बिफोर वी स्टार्ट आवर लेक्चर इन टर्म्स ऑफ गाइडिंग यू अबाउट योर सीए इंटरमीडिएट एंड ऑल। सो पहली चीज, आप सभी लोगों को मेरा बहुत नमस्ते, बहुत बड़ा प्रणाम आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस फेथ ऑन अस। थैंक यू सो मच। एंड व्हेन आई से दैट आई गिव यू नमस्ते, सो आई बिलीव दैट व्हेन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहां से जो भी बातें बोल रहा हूं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हर बात को ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको ये सारी बातें मेरे आचरण में दिखेगी और मैं उसके हिसाब से ही आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा। अगर आप ऑनलाइन लाइव के हो या अगर आप यूट्यूब से हो, पेनड्राइव से हो, कहीं से भी हो, तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट विथ यू ऑल। ठीक है, पहली चीज मैं ये मानता हूं, क्योंकि आज के तारीख में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूं, मैं जब आपके सामने आकर खड़ा होता हूं या काम करता हूं तो बेहद ज्यादा आप सभी लोगों से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। आपके करियर की मुझे चिंता होती है, आपके भविष्य की चिंता होती है। इन सभी चीजों को समझकर फिर मैं यहां पर आकर खड़ा होता हूं। आप मेरी बात पकड़ रहे हो? सो इसके वजह से मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि राजा बेटा जी, इस क्लास में नेगेटिविटी के लिए इतनी सी भी स्कोप नहीं है, इतनी सी भी नहीं है। आई रिपीट, इस क्लास में नेगेटिविटी के लिए इतनी सी भी स्कोप नहीं है। वी ओनली हैव स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आई ओनली बिलीव इन इंप्रूवमेंट। यू हैव सीन राइट नाउ ऑल्सो मी, एवरीथिंग वॉज हैपनिंग इन हैपहज़ार्ड, बट आई ओनली अप्रिशिएटेड देयर इंटेंशन एंड देयर वर्क। आई डिड नॉट बिकम फ्यूरियस, इट वॉज ऑल फाइन। ठीक है, तो अभी आपको मैं कुछ चीजें समझाता हूं, सुनिए। जब कभी भी मैं आपको यहां पर देखता हूं, और ये फैक्ट है, जब कभी भी आप मेरे सामने बैठते हो, तो आई बिलीव दैट आपके अंदर भी परमात्मा का वास है। वास समझते हो? देयर इज अ रेसिडेंस ऑफ गॉड विद इन यू एज वेल। इनफैक्ट नॉट ओनली यू, इट इज देयर विद एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ एवरी एनिमल, एवरीथिंग, देयर इज द गॉड। मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि आई डिड नॉट गेट दिस लाइफ ओनली फॉर अर्निंग मनी एंड डाइंग एज अ रिच पर्सन। नो, आई डिडंट गेट माई लाइफ फॉर दैट। आई एम श्योर एंड क्लियर अबाउट दिस एस्पेक्ट। सो हैविंग सेड दैट, मैं ऐसा भरोसा रखता हूं कि अगर कभी मेरे सामने भगवान आए तो किसी भी स्वरूप में आ सकते हैं, ही कैन टेक एनी फॉर्म। सो इस वजह से मैं यह हमेशा कोशिश करता हूं और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हूं उसमें, कि आई सी गॉड इन ईच वन ऑफ यू। एंड दैट्स पर्टिकुलर रीजन आई टेल यू दैट कि व्हेन वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन दिस क्लास, रूल नंबर वन, रिस्पेक्ट एवरी वन हु इज अराउंड यू, इंक्लूडिंग माई स्टाफ, इंक्लूडिंग ईच अदर, इंक्लूडिंग योर टीचर, एंड एट द सेम टाइम यू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम आर साइड एज वेल। क्यों? क्या होता है कि आप अलग अलग जगह से आए हुए हो अभी, राइट? अभी आप अलग अलग जगह से आए हो और इतनी तादाद में आए हो, तो जाहिर सी बात है आपको मम्मी पापा की याद आएगी, जाहिर सी बात है कि आपको, अरे उनको बैठने का अरेंजमेंट करो, वहां पर कौन है, उनका बैठने का अरेंजमेंट करो। हाँ, सो आपको मम्मी पापा की याद आएगी, दूसरी जगह से आए हो, आपको खाने पीने की प्रॉब्लम होगी। सो देर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। पढ़ाई सेकेंड फेज है बेटा, पहले मुझे तुमको मेंटली तो स्ट्रांग करना पड़ेगा ना। सो यू विल बी हैविंग फ्यू प्रॉब्लम्स, बट दैट प्रॉब्लम विल नॉट डिफाइन व्हाट यू विल बिकम इन योर लाइफ। व्हाट विल डिफाइन इज हाउ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को मैं रोक नहीं सकता आने से, प्रॉब्लम आएगी, बट उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका मैंने फर्स्ट स्टेप आपके सामने रखा है। कि जब कभी भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो, और ये आएंगे ऐसे कुछ आपके लाइफ में, कि कई बार ऐसा होगा कि बहुत थक जाओगे तुम, राइट? तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप किसी से भी बात करें तो आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे। इस क्लास में मैं किसी भी फैकल्टी के बारे में नेगेटिव नहीं सुनूंगा, ना मैं बात करूंगा, ना मैं नेगेटिव सुनता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं आपको यही सिखाऊंगा कि भाई साहब, जितने भी मेरे कॉम्पिटिटर होंगे, राइट, मैं उनको बहुत ज्यादा आदर से ट्रीट करता हूं, और वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आई डोंट स्पीक इट ओनली फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्योंकि मेरे क्लास में भी बच्चा फेल होता है और उनके क्लास में भी बच्चा पास होता है, एग्रीड? सो मैं ये मान के चलता हूं कि सारी की सारी जो जिम्मेदारी है पास या फेल की, वो मुझ पर नहीं डाली जा सकती, ये जिम्मेदारी आपको भी उठानी पड़ेगी, एग्रीड? सो नन ऑफ यू विल एवर कम एंड से कि सर हमारे यहां पर ऐसा हुआ, हमारे यहां से वैसा हुआ, क्योंकि फिर मैं
आपको डिसरिस्पेक्ट करना सिखा रहा हूं, वो मैं करता नहीं हूं। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो मैं ये एंटरटेन नहीं करता। हाँ, स्वप्निल पटनी क्लासेस में अगर आपको किसी भी फैकल्टी से प्रॉब्लम है, कोई भी चीज में इश्यू है, तो उस केस में मैं आपके साथ में खड़ा हूं और वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ये हमने शुरुआत की लाइन में भी आपको बताया था, वी बिलीव इन इंप्रूवमेंट, वी डोंट बिलीव इन कंप्लेनिंग एंड काइंड ऑफ स्टफ, वी बिलीव इन इंप्रूवमेंट, और वो होते रहेगा। इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मेरी इतनी बैचेस हो गई, एक बैच ऐसी नहीं गई जिसमें मेरी बुक चेंज नहीं हुई, एक बैच ऐसी नहीं गई जिसमें मैंने इंप्रूव नहीं किया। तो इंप्रूवमेंट में तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग। दूसरी चीज, मेरे कोई पैर नहीं छुएगा, ओके, आई डोंट लाइक दैट। मेरे कोई पैर नहीं छुएगा मुझे नहीं पसंद है, और मुझे लगता है कि इतना आप मेरा मान सम्मान रख सकते हो, मेरे पैर नहीं छूना। आप और मैं सेम है, आपको लगता होगा कि टीचर होगा तो बहुत भारी, मुझे नहीं लगता ऐसा। तुम और मैं सेम है, इतना सा भी फर्क नहीं। जिस दिन ये फर्क आ जाता ना, फिर उसके बाद में कंपैरिजन शुरू हो जाता, फिर मैं शायद तुम्हारा काम ना करूं। जब तक मैं ये मान के चलूंगा कि आप और मैं सेम है, तब मैं आपके सारे काम कर सकता हूं, ऐसा मुझे लगता है। तो बेटा जी, मैं आपको सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास में बड़ा छोटे का सब कॉन्सेप्ट जीरो है। वी आर लिविंग, सिर्फ जन्म पहले लेने से मैं थोड़ी कोई बहुत भारी बन जाऊंगा, समझ में आ रही ना बात ध्यान में? और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव दैट कि परमात्मा का वास आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, तो इसके वजह से वी विल रिस्पेक्ट ईच अदर। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। अब ये हुई मेरी पर्सनालिटी की बात, जो मैं बिलीव करता हूं वो सारी चीजें अब तक लेके आया, और क्लास में हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, हमेशा, इतनी सी भी नेगेटिविटी नहीं। ऑलराइट, नाउ कैन आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी गोना टॉक? सुनिए, क्लास में जो कोई भी पुणे में रहते हैं, जो कोई भी बच्चा टू व्हीलर पर ड्राइव करके आता है, कैसे भी आता है, जितनी जल्दबाजी करनी है आपको वो सारी जल्दबाजी करनी है घर पर। रस्ते में कोई भी रैश ड्राइविंग करते हुए नहीं आएगा। आई रिपीट, तुमको जो जल्दबाजी करनी है, जितना घाई गड़बड़ करना है, कहां करने का है? घर में, रस्ते पर नहीं, एकदम पीसफुली आने का है। तुम अगर मेरे क्लास में लेट होते हो, ऑफकोर्स दो तीन के बार के बाद में ज्यादा हुए तो फिर देन माई स्टाफ विल इंटरेक्ट विथ यू, बट आप अगर लेट आते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपको यह बताऊंगा, क्लास मिस करने से अच्छा आप क्लास को अटेंड कीजिएगा। पॉइंट वन टेकन क्लियरली, मुझे घाई गड़बड़ नहीं करना, घर पर कर लो, रस्ते पर नहीं करना। योर मॉम डैड आर रियली कंसर्न फॉर यू पीपल, सो कोई जल्दबाजी नहीं। पॉइंट नंबर टू, जब भी आप मेरे क्लास में आओगे, जो कोई भी ऑनलाइन लाइव का बच्चा है, उन सभी लोगों से मैं इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनलाइन लाइव का बच्चा और फेस टू फेस का बच्चा, कोई भी बच्चा, आप खाना खाकर आओगे। यू कैनॉट कम विदाउट हैविंग फूड, कितना ही घाई हो जाए। मेरे क्लास में आप खाना बैठकर खा सकते हो, मेरे सामने मैं कभी आपका खाना खाऊंगा नहीं। तुमको अगर भूख लगती है, यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होता है, कई बार वो बच्चा खाना खा रहा होता है, चुपके से खाता है और मैं देख ले जा सकता हूं, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारा खाना, आई प्रॉमिस। मुझे बुरा तब लगेगा जब आप भूखे पेट पढ़ रहे हो। भूखे पेट बेटा पढ़ाई नहीं होती, ऐसा बकवास है। एग्री? हेलो हेलो, हाँ, तो ऐसा एक चीज होता है कि तुमने को मैंने बोला कि मैं चिल्लाता नहीं, आई की पीसफुल, ऐसा नहीं है, पूरी बात फैक्ट। मैं चिल्लाता हूँ, बट जब मैं चिल्लाता हूँ तो मेरा एक शब्द काफ़ी हो जाता है। मतलब उनको पता है कि ये बंदा ऐसे ही नहीं चिल्लाता है, ही विल हैव कंप्लीट सेट ऑफ पीस फर्स्ट, फिर उसके बाद में, ठीक है। सो हम कहाँ पे थे? तुम सब लोग क्या करके आओगे? खाना खा के आओगे। जल्दबाजी कहाँ पे करोगे? घर पर। एग्रीड, ओके। बिना खाना खाए आना मतलब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सेकेंड चीज, तुमको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है खाने के रिलेशन में, इन रिलेशन टू दी व्हाट आई कैन से डॉक्टर, यू कैन इंटरेक्ट विथ अस, ठीक है। इनफैक्ट फेस टू फेस बैच के जितने भी बच्चे हैं उनको डॉक्टर के नंबर्स दे दिए जाएंगे, कहां पर विजिट करना है, कैसे करना है। एग्रीड, तो इसको एक फैमिली समझना इधर।
इधर ऐसे कोई डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। शुरुआत में तो याद आएगी यार, मैं भी सोलापुर से आया था तो एक दिन बैठ के रोया था, बट तुमको पता है कि जब हॉस्टल छोड़ने लगा या जब जाने लगा ना, तब बहुत रोना आ रहा था, कर रहा था। और अभी आप देखो, अब मैं पुणे में ही सेटल हो गया, तुम समझ रहे हो ना बात को। तो आज जो तुमको लगता है ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे तकलीफ होएगी करेगी, वो होने वाली है। नए नए लोग मिलेंगे, अलग अलग लोग मिलेंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट बावजूद इसके मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई साहब ये इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना, ठीक है। घर पर रेगुलरली बात करना, कितने बच्चे, अच्छा अभी तो कर ही रहे होंगे क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम आए ना, स्पेशली बॉयज को बता रहा हूँ। घर पर मम्मी पापा से रेगुलरली बात करना, और मुझे नहीं पता आपके रिश्ते कैसे हैं, बट अगर हो सके तब तक अपडेट दो अपने पढ़ाई के बारे में कि आपने क्या किया है। ये करने से क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा ट्रैक पर रहोगे, क्योंकि जब अपडेट देना होगा और जब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। सो अपडेट हमेशा देना माँ बाप को। ऑनलाइन लाइव के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप घर में बताना जरूरी है। मैं जब छोटा था और जब पढ़ाई किया करता था CA की, तो मेरी माँ नहीं समझती सारी चीज़ें जो मैं पढ़ता हूँ, नहीं समझती थी, बट मेरे को बहुत मजा आता था। मैं जब कोई क्वेश्चन कर लेता था, मम्मी के हाथ में सिर्फ बुक देता था एंड आई यूज टू यू नो उसको आंसर सुनाता था। उसको समझता कुछ नहीं था टेक्निकल, बट उसको बहुत भारी लगता था कि मैं आंसर इंग्लिश में बता रहा है। और दूसरी बात यह भारी लगती थी कि भाई साहब ये बंदा जो है ना, मतलब वो चेहरे के हाव भाव पढ़कर वो समझ जाती थी कि इसको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेहरा देखकर बोलने के स्टाइल से उसको समझ में आ जाता था कि मेरे को आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि इससे आपको प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मेरे को क्या होता था कि मेरे को बहुत इरिटेशन होती थी अगर मेरे को आंसर नहीं आता था। तो सो देन यू यूज टू टेंड टू इंप्रूव एंड देन यू गो फर्दर एंड थिंग्स आर चेंज्ड। सो लाइफ में ऐसा कोई सक्सेसफुल फॉर्मूला है ही नहीं कोई कि एकदम से सक्सेसफुल हो जाएंगे। एक अब छोटा सा एग्जाम्पल लेकर फिर इसको समझेंगे कि मैं अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो पहली बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कितने लोग आप में से जिम गए हुए हैं? छोड़िए, ऐसे नहीं बैठने का, ये क्लास में एक बात सुनो रे गुंडी, ये ऐसा नहीं बैठने का। क्यों? क्योंकि जब बचपन में तुम दो मिनट में क्वेश्चन, बचपन में तुम गए थे 6 महीने के थे, तुम्हारी गर्दन स्टेबल हो गई थी, बराबर है। ये गर्दन को हाथ लगाने की तभी जरूरत पड़ती है जब हम बस में होते हैं, जब हम ट्रेन में होते हैं, जब सोने की इच्छा होती है। समझ में आया क्या? मेरे क्लास में सीधा बैठने का, मैं तुम्हारे पैसे में नहीं बिके लाया, मैं एकदम क्लियर बोल रहा है डेवन को, मैं पैसे में नहीं बिका है। मुझे, मैंने पहले ही शब्दों में क्लियर कर दिया था कि मुझे आपसे प्यार है, जैसे मेरे घर में मेरी बेटी को ग्रूम करता हूं मैं, वैसे ही प्यार तुम पर है, वैसे ही तुमको ग्रूम करूंगा। समझ में आ रहा है? जो चीज जैसा करने का वैसा ही करने का, पढ़ाई अच्छे से करने का मतलब अच्छे से करने का, सीधा बैठने का मतलब सीधा बैठने का। मैं इधर आकर कुछ भी करते रहेगा तो तुमको चलेगा क्या? मैं पढ़ा रहा है और ऐसा करेगा चलेगा क्या? नहीं चलता है, समझेगे नहीं। तो सिमिलरली आई एक्सपेक्ट दैट कि एक स्टूडेंट और हमारे बीच में कम्युनिकेशन रहना चाहिए। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट कितने लोग तुम में से जिम गए। हाथ ऊपर करो, कैन यू पीपल प्लीज स्टैंड, मुझे देख ले तो लेने दो, कौन कौन जिम गए सही में? हा, बहुत सारे बच्चे गए। ऑनलाइन लाइव वाले कोई बच्चे नलायक गए क्या नहीं गए जिम में? ऑनलाइन लाइव, ऑनलाइन लाइव वाले कितने लोग जिम में गए? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुनते जाइए, अभी तुम में से कितने लोग फोटोज डालते हैं जिम की करने के बाद में, ऐसा कर कर वैसा कर कर, कितने लोग फोटो डालते हैं? मैं, मेरे को नहीं आता, मैं नहीं गया, मैं इसे पैसा भरा है जिम का, तो तुम गए, अरे ये तो गब्बर दिख रहा, फोटो निकलता कि नहीं? खा शपथ खा, कुठली जिम लेता तो तालमीज जातो ना, हा मग तिकडे कॅम हे नसतं ना, काय म्हणतात त्याला, काच नसतं तिकडे, है ना, हाय काच, अरे फोटो टाकत चल वाडा, चांगली आहे तुझी बॉडी। हा और कोण फोटो डालावा तो, कोई फोटो तो चाहिए यार। चिकने तू डालता था क्या? तू नहीं डालता? सीरियस, कहां से आप यार? हमारे हर्षद बाबू तो फोटो डालते हैं, तुम नहीं डालते क्या? स्वप्निल सर भी डालते हैं, तुम फोटो नहीं डालते क्या? तुम में से कोई फोटो नहीं डालता? अच्छा चलो, कोई फोटो नहीं डालता, फोटो निकालता है क्या? नाउ दिस इज द राइट क्वेश्चन, थैंक यू। ऐसे लोग, मेरे को लगा मैं सब साधु संत से घिरा हुआ हूं, मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी, मैं कैसा करेगा अभी काम इधर इनके साथ। तो ठीक है, जो फोटो निकालते हैं वो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, वो खड़े रहे, बाकी के बैठ जाए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे एक बात बताओ, तुम पहले दिन जिम जाते हो, तुम्हारा नाम सर शुभ नाम, माइक आइक का प्रयोजन हो सकता है? मैंने 3-4 लोगों को रुकने के लिए कहा था, कोई सीरियसली लेता ही नहीं है मुझे।
कहाँ गए बाकी क्या? हाँ साहब, हाँ मानस साहब, तो आप जिम जाते हो, तो अब पहले दिन जब आप जिम गए थे आपने फोटो निकाली थी, वाह एकदम लुक्खा सुक्खा रहे होंगे एकदम, है ना? हाँ, पालक जैसा ऐसा। हाँ, फिर दूसरे दिन फोटो निकाली गया वापिस, तीसरे दिन? हाँ, वेरी गुड। फिर बॉडी तो एकदम चेंज हो गया, ऐसा डोला बाहर निकला होगा, नहीं वह ऐसा ऐसा डोला बाहर निकला होगा, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे साथ क्या हुआ सर? तुम्हारा नाम क्या है? आकाशदीप। आप बैठो बैठो सर, आप बैठ जाओ इधर के लोग। हाँ, आप भी बैठ जाओ सर, थैंक यू, है ना? हाँ, आप आकाशदीप साहब। तो आकाशदीप, आप जिम में गए थे, कहाँ से थे आप? पंजाब से। जिम जाते थे, फिर पहले दिन इन्हें वैसे बॉडी वॉडी मारे ऐसे सब कुछ? पहले दिन कमजोर थे तो हाँ। फिर महीने बाद फोटो निकाला। हाँ, तो तुमको हर रोज पता चलता है कि तुम्हारी बॉडी बन रही थी? महीने बाद पता चला। तो मुझे एक बात बताओ, इनसे बात पूछ लेते और इनसे भी पूछ ले सर, आपको कितना समय लगा बॉडी बनाने के लिए? हाँ, 6 महीना लगा। और हर रोज पता चलता था क्या तुम्हारी बॉडी बन रही है बोलकर? नहीं। तुमको सर? थोड़ा फॉर कुछ नहीं समझ रहा था। इनफैक्ट आई टेल यू, सिट, थैंक यू, मुझे आंसर मिल गया और आप सभी लोगों ने भी आंसर सुना, और ऑनलाइन लाइव आपको भी बता दूं सभी लोगों को। रसगुल्ले बच्चों, जब आप जिम में जाते हो डे टू डे बेसिस पर आपको चेंज नहीं दिखता है, तो आप बोल रहे परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जब परिवर्तन नहीं हो रहा है, यू लूज होप्स, तुम छोड़ देते हो चीज को। परिवर्तन नहीं दिखता है, होता है सिर्फ इंटेंशन, और उस इंटेंशन की चाह में आप उस राह पर चलते हो, परिवर्तन नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम आती है जिम के साथ कंपेयर करो अपने सीए कोर्स को, प्रॉब्लम पहले दिन करके आओ तुम्हारी बैंड बज जाती है, मेरे को मेरे बॉडी में कहां कहां पर पार्ट है मेरे को पता चला, मेरी बाइकों को पता नहीं मैं क्यों नहीं पसंद आ रहा था, शी सेड मी जिम ज्वाइन करेंगे, 3 बार पैसे वेस्ट किए मैंने, बट कहां कहां पे पार्ट है मेरे को मालूम पड़ा, कहां कहां दुख रहा है, मैं मजाक नहीं बता सकता तुमको, मैं चल नहीं रहा था, मतलब ऐसा ज़ॉम्बी चलता ऐसे चल रहे थे, आई शपथ, अरे मतलब तुम एक बार जिंदगी में यह काम करने का, एक बार तो जिम जाने का, एक बार जिम जाने का, अरे तुम ऐसे चलने को बोल रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए प्रिविलेज है, तुम चल नहीं सकते, तुमको ऐसा चलना पड़ता है। एक बार राजगढ़ गए थे तब भी ऐसे हुआ था। मैं आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा था यहां पर, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब आप जिम करते हो तो तकलीफें होती है, सेम तकलीफें आपको सीए कोर्स भी करते वक्त होती है, पॉइंट नंबर 1 टेकन। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे जैसे आप डे टू डे बेसिस पर पढ़ते हो ना, तो तुमको जो कठिनाई आती है, प्रॉब्लम आती है, तुमको ऐसे इंप्रूवमेंट हो रहा है ऐसा कभी नहीं दिखेगा। स्ट्रैटेजी डे 1 को बनती है, स्ट्रैटेजी आप पीएल में नहीं बना सकते, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं 3 महीना पढ़ूंगा, फाउंडेशन हो गए थे, इंटर नहीं होने वाले। जो बच्चा सिर्फ 7 दिन एक्सरसाइज कर कभी किसी से लड़ने जाएगा, वो हार कर ही आएगा, वो जीत नहीं सकता। जीतेगा क्या? 7 दिन मेहनत की, 7 दिन एक्सरसाइज किया, और दूसरा वो बंदा 6 महीने से एक्सरसाइज कर रहा है, अगर मैं भी इससे लड़ूंगा ना, तुम समझ गए, मतलब मेरे दोनों हाथ और उसका एक हाथ, विषय संपला, मैं नहीं छुड़ा पाएगा बॉस। आप मेरी बात पकड़ रहे हो भाई साहब? इस क्लास का रूल समझ जाइयो यार, एसी का कुछ अड़चन है यार संतोष। हाँ, एसी का जेन्युइनली अड़चन है। अरे वो एक दूसरे की सांस ले रहे अभी तुम ऐसा ना को करो यार सो बात क्या थी, तुमको कितने महीने पढ़ना है लिख लो, कितने महीने पढ़ना है। तुम सोचते रहेंगे कि नहीं पहले क्लासेस हो जाएगी फिर मैं प्रिपरेटरी लीव में पढ़ूंगा, मूर्ख हो तुम, मूर्ख। पढ़ना कितने महीने है? 9 महीने डे 1 से अंटिल योर एग्जाम। सो राइट डाउन दिस फर्स्ट लाइन ऑफ आर क्लास, और फिर उसके बाद में मैं डेवलप करूंगा आपको कि हम इस लाइन के मद्देनजर आपको आपके साथ में किस तरीके से वर्कआउट कराएंगे, ठीक है? सो लाइन नंबर 1 लिखिए, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। वी मतलब मी नहीं, तुम्ही, तो तुम लिखो आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर 9 months। लिखो बाबू, आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर 9 months।
I am going to study for how many months? 9 months. ठीक है, हर रोज परिवर्तन दिखेगा क्या? नहीं. तो तुमको एक चीज दिखती है, एक दिन नहीं किया तो क्या होता है? होता है. आई रिपीट, एक दिन नहीं किया तो क्या होता है? होता है. बट इसका मतलब यह नहीं कि तुम चीट डे नहीं रहते तुम्हारे लाइफ में. चीट डे समझते हो? चीट डे मतलब जो जिम में जाते ना, अगर तुम 6 महीने के अंदर 3-4-5 दिन ब्रेक लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट इज नॉट अ बिग डील. एक आध दिन तुम तुम्हारा डाइट चेंज कर देते हो, किसी की शादी में जाते हो, कुछ अलग चीजें खा लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट कंटिन्यूअस बेसिस पर क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं आगे कर लूंगा, ये नहीं चलता है. सो पढ़ाई आप डे टू डे बेसिस पर करोगे, एवरी डे. इज दैट ओके? तो सुनिए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे आज ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जितने भी बच्चे अब एसपीसी से पढ़ेंगे उन सभी बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज कंपल्सरी होगी एवरी संडे. और ये टेस्ट सीरीज चेक कर आपको दी जाएगी. कमिंग संडे तो नहीं हो सकता, आज ही है और अगला संडे, शायद अगले संडे को भी ना हो, उसके अगले संडे को भी, बट उसके बाद में एवरी सिंगल संडे यू विल बी हैविंग अ टेस्ट सीरीज. ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम ऐसा बिलीव करते हैं डे बाय डे नथिंग चेंजेस, मतलब दिखता नहीं है, बट व्हेन यू लुक बैक एवरीथिंग इज चेंज्ड. जब आप 6 महीना बॉडी बनाने के लिए जाते हो तो 6 महीने तक हर रोज देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा, बट 6 महीने बाद देखोगे तो पूरा का पूरा फर्क है. एक आदमी जैसा था वैसा रह गया और दूसरा आदमी एकदम कलाकार बॉडी बन गई उसकी और वो बहुत हेल्दी हो गया है. शायद उसके जीवन में कुछ दिन भी ऐड हो गए हैं, शायद वो काम पहले के मुकाबले ज्यादा कर सकता है, और यही सेम परिवर्तन आपके अंदर होने वाला है. इज दैट ओके? नाउ पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर. तो आप कितने महीने पढ़ोगे? 9 महीने. अब मैं सेकेंड पॉइंट आपको पूछता हूं, बेटा यहां पर कौन सा बच्चा है जो पढ़ने के लिए नहीं आया है? तुम नहीं आए पढ़ने के लिए, जबरदस्ती भेजा गया. ठीक, कौन सा बच्चा है जो यहां पर पढ़ने के लिए नहीं आया है? ठीक है, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, किसी का हाथ ऊपर नहीं है. ऑनलाइन लाइव नालायक कोई है तो बता दे तू, क्योंकि ऑनलाइन लाइव में ऐसे छिछोरी बातें बहुत जल्दी कर लेते बच्चे, क्यों डर है नहीं नहीं किसी का. अब मतलब दिशत नहीं मैं कुटे. सो कितने बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आए बता दो एक बार. हाँ, तो कोई नहीं है क्लास में, सो जाहिर सी बात है सब लोग पढ़ने के लिए आए. ओके, सो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो. जब आप सब लोग पढ़ने के लिए आए हो तो मतलब तुम्हारे इंटेंशन तो क्लियर है. बावजूद इसके कुछ बच्चे पास नहीं होंगे. मैं यार झूठ बात करता नहीं, जो फैक्ट ऑफ लाइफ है उसके बारे में बात करता हूं. बावजूद इसके कुछ बच्चे पास नहीं होंगे, इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है. इंटेंशन में किसकी प्रॉब्लम है? नहीं है किसी की भी. तुम बोलोगे कि सर मैं बिजनेस करना चाहता हूं, कोई लॉस नहीं चाहता है. जब कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो किसी को ऐसे नहीं इच्छा होती कि मेरे को लॉस हो जाए. होता है ना लॉस. ये चीजें मेरे को समझ में आई कि जब कभी भी कोई शादी अरेंज की जाती है तो शादी इसलिए अरेंज नहीं की जाती कि उसको आगे जाके तोड़ देंगे. टूटती है ना शादियां, होते हैं ना डिवोर्स. तो हमको समझना पड़ेगा इंटेंशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. इंटेंशन के साथ एक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. राइट, इंटेंशन के साथ एक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड विद अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. यू मस्ट हैव हर्ड इट फ्रॉम मी बिफोर दिस ऑल्सो. मुझे एक बात बताओ, वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्रीज. किसी को डाउट है? अच्छा, मैं तुम्हारे पानी को गर्म कर दूंगा, बहुत गर्म कर दूंगा, बहुत गर्म कर दूंगा 98 डिग्रीज तक. फिर उसको बोलूंगा 2 डिग्री तो बचा है ना, हो जाना बॉइल. हो जाएगा बॉइल? विल इट बॉइल? तुम भिखारी के से ऐसे गए ना इंस्टीट्यूट के पास, इतना तो पढ़ा है ना, थोड़ा सा तो ऑप्शन में छोड़ा है, थोड़ा सा तो नहीं किया है, प्रेजेंटेशन ही तो खराब है, लॉजिक तो क्लियर है, सिर्फ सिली मिस्टेक हो गई है, हो जाओगे पास? इनफैक्ट फेल इन रीजंस की वजह से होता है, इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है. मेजॉरिटी चीजें आप सही देखते हो सब कुछ. जब कभी भी कोई बोट डूबती है ना, कोई मेजर रीजन से नहीं डूबती, बोट सी में लेके जाएगा कोई. ऐसा बहुत रेयरली होता है कि बोट पूरी उखड़ी खुड़ी थी, खड्डे बिड्डे थे और उसके बाद में बोट को लेकर गया, ऐसा कोई नहीं करता. बोट टाइटैनिक जैसी भी डूबी बिकॉज ऑफ वन सिली मिस्टेक. लाइटली ले लिया था, ये बोट डूबी नहीं सकती. लाइटली देख ही नहीं रहता, एंड देर वॉज एन आइसबर्ग एंड ऑन द फर्स्ट ट्रिप बोट डूब गई.
टाइटैनिक वाज बिल्ट बाय एन एक्सपर्ट एंड वन सिली मिस्टेक एक्सपर्ट इज गई भाड़ में, इजंट इट? सीधा बैठ बे। पॉइंट टू बी टेकन माय लॉर्ड इज 100 डिग्रीज पर वाटर बॉइल होता है, और जब तक तुम आपकी दी गई चीज इंस्टीट्यूट द्वारा जो आपके लिए पैरामीटर्स बनाए गए उस पैरामीटर के हर एक चीज पर खरे नहीं उतरते, तब तक बेटा जी आप बोल ही नहीं सकते कि आप पास होंगे। तुम्हारे ऊपर दया करना ही नहीं, तुम ये बोलना ही मत मुझे कि सर मुझे इतना बुरा लगता है ना कि बच्चा फेल होने के बाद में मुझे आता है और बोलता है कि सर मैं पास हो जाऊंगा क्या सीए, मेरे को ये वाला पार्ट नहीं आता, ये ऑप्शन में छोड़ दूंगा क्या? उस समय क्योंकि मेरा आचरण में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है ये, इसलिए मैं प्रेम से ही बात करता हूं, बट अंदर की बात आपको बताता हूं। मुझे पता होता है कि ये आचरण से आदमी आगे नहीं जा सकता, कैसे जाएगा? अरे इंडिया में प्रॉब्लम ही है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, अबे तू नहीं करेगा दूसरा कोई करेगा। तो इधर एक चीज ध्यान रखना, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्रीज है, इस क्लास के भी कुछ उसूल है। मैं क्लास में एंटरटेन नहीं करता अगर आप स्केल खुद की नहीं लेके आते हो, अगर आप लाइंस ड्रॉ किए बिना करोगे, बिना फॉर्मेट के अगर आप कोई चीज करोगे, कैजुअली लिखोगे, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड इन द क्लास। सो इफ यू थिंक आई एम एग्रेसिव टुवर्ड्स यू, यू आर रॉन्ग। आई लव यू, दैट्स द रीजन आई एम एग्रेसिव। मेरे बंदे क्लास में घूमेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चेक कर रहे होंगे कि आप सही से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। मेरे क्लास में होमवर्क चेक होगा, इट विल बी डन मेटिकुलसली। इसका मतलब यह नहीं कि आपको डरना है, अगर किसी दिन आपने होमवर्क नहीं किया डरो मत, सिर्फ बी ट्रुथफुल। मैंने नहीं किया, मैंने बोला ना चीट डे होता है, मैंने बोला है ना कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जब तुम्हारे जितना था मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि हम नहीं करते, गिल्ट नहीं डालना चाहता मैं आपके अंदर, मैं सिर्फ डिसिप्लिन लगाना चाहता हूं। अगर जैसे तुम्हें याद है, मैं इसके ऊपर भी अभी चर्चा, मैं हर चीज समझाता हूं तो धीरे धीरे आपको कन्विंस हो तब तक समझाता हूं। तुम्हें पता है मैं फर्स्ट टाइम नहाने गया था, मतलब बचपन में, तो मतलब मुझे पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट मुझे है ना खुद से नहाने का बहुत शौक। तुम्हें नहीं था? मतलब जाने का, पानी में कीड़े करने का, मतलब कुछ तो करने का। तो मेरे को आज भी वो किस्सा याद है, मैं मम्मी का छोटा बेटा, शुरुआत शुरुआत में थोड़ा सा लाड़ करती थी, फिर पता चला कि कार्टा एकदम सरल बसेता था, ये कार्टा एकदम, तो फिर उसके बाद में पता नहीं। तो एक बार मैं मम्मी को जिद किया, मुझे याद है बचपन में, कि मेरे को नहाने का है। और उसके पहले एक स्टोरी हुई थी कि मम्मी है ना, एक दिन वो नील समझते हो तुम, नील समझते हो? अच्छा तुमको ही मालूम है, मुझे लगा तुमको नहीं। वो होता है ना फेना ही लेना, वो होती है नील, वो ब्लू कलर की होती है, मतलब हाँ ब्लू कलर। मुझे उस समय इतना मैजिकल लगा ना, मैंने मम्मी को पूछा माँ ये नील क्यों लगाती हो तुम? माँ ने बताया कि नील लगाने से कपड़े व्हाइट होते। और मैं मतलब मेरा फ्यूज ही जुड़ गया, मैं बोला नीला डालने के बाद में नीला नहीं हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, सो इट्स मैजिकल। मैं छोटा बच्चा क्या लगेगा, बहुत भारी लगा मेरे को, बहुत बहुत भारी लगा। तो अब क्या होता है कि उस जमाने में जब हम छोटे थे ना, तब गोरा और काला इसका बहुत बड़ा भेद हुआ करता था, अब नहीं है। और मैं येड़ा था, मुझे तब समझा, उस जमाने में हमको मेरे माँ बाप बोलते थे कि दूध पी तो गोरा होएगा और चाय पिएगा तो काला होएगा। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मतलब मुझे अभी पता चलता है कि वो सी बनाते थे, बट ठीक है। सो बोलने का तात्पर्य क्या कि मुझे ऐसा बोला गया था कि गोरा होने का। अब मैं जब फर्स्ट टाइम नहाने गया था तब मैंने नहाना छोड़कर बाकी के टाइम पास किए, राइट? एंड वेल आई वॉज एक्सप्लोरिंग द बाथरूम, तब मुझे वहां पर वो नील की डब्बी दिखी और वो मम्मी का कॉन्वर्जेशन याद आया कि इससे चीजें व्हाइट होती है। फिर मेरे माथे में रजिस्टर था मुझे गोरा होना है, ये बार बार मेरे दिमाग में डाली गई चीज थी। मैं किसी तरीके से उस छोटी सी हाइट से एक बकेट पर चढ़कर किसी तरीके से वो नील निकालता हूं और उसको मेरे पूरे बॉडी पर लगाता हूं, मल मल के नहाता हूं। और उसके बाद में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मैं किसी तरीके से पानी डालकर आ जाता हूं, मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं नहाया नहीं नहाया और मैं ऐसा है। और जो मेरी मम्मी ने मेरी धुलाई की है भाई, एक नंबर धुलाई की है, आज तक याद है। सर तुम क्यों बोले ये सब चीजें? माई तुमको क्या बोला, तुमको तुम्हारे भरोसे पे छोड़ देंगे ना तो जैसा मैं था ना वैसा का वैसा ही रहेगा। अब माँ मेरे से प्यार नहीं करती क्या? बहुत करती है। क्यों मारी मेरे को? ताकि मैं अगली बार नहीं करूं, ताकि मेरे को ये चीजें समझ में आए, ताकि मैं डिसिप्लिन्ड बनूं। मेरे हर एक पॉइंट जो क्लास में किया जाएगा उसके पीछे एक रीजन होगा। तो जब कोई बंदा आपके बुक्स वगैरह चेक करे, उनको चेक करने दे, और ये चेक होगा
जो बच्चे दो के बीच में एक टूथब्रश शेयर करते हैं, यू हैव टू प्रूव इट, म्हणजे हा दात घासणार त्याच्यानंतर दुसरा घासणार, आय हॅव गॉट नो प्रॉब्लम, यू कॅन यूज सिंगल स्केल, दो के बीच में एक स्केल यूज कर सकते हो, दो के बीच में एक कैलकुलेटर, भिखारी बना इस क्लास में नहीं चलेगा, समझ में आ गए? तो क्या करने का भाई साहब, स्केल, पेंसिल, सब चीजें खुद के लेके आने का, हाईलाइटर खुद के लेके आने के, और उसके बाद में जब आपको गाइड किया जाएगा उन सारी चीजों को नोट डाउन करना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पॉइंट समझ में आया? सो बेटा जी लिख लीजिए, सेकेंड चीज, प्रेजेंटेशन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, प्रेजेंटेशन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। Presentation should be taken care of, right? Second point, all the efforts, including timing, ठीक है? Next, handwriting. टाइमिंग, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन शुड बी टेकन केयर इन द क्लास, प्रेजेंटेशन शुड बी टेकन केयर इन द क्लास। क्या क्या चीजें समझे रहे तुम? शुड बी टेकन केयर इन द क्लास, कुछ समझे कि नहीं समझे? मैं समझाता हूं। जब मैंने वर्ड वो यूज किया टाइमिंग, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा पेपर कंप्लीट होने के लिए क्लास में मैं थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा आपको, आपके कुछ क्वेश्चंस टाइमर पर सॉल्व कराए जाएंगे, टाइमर पर इसलिए सॉल्व कराए जाएंगे ताकि आपका स्पीड हमसे मैच हो, आपका स्पीड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैच हो। देखो अगर आप इधर पासिंग परसेंटेज कितने हैं सीए में? 40 नहीं है, गलत है, 50, पासिंग इज 50 इन एग्रीगेट, व्हेन यू वांट 50, पासिंग इज 50। भिखारी वाला एटीट्यूड छोड़ो तुम, हाँ बताओ अब इस क्लास में पासिंग परसेंटेज कितना है? 50। अब मान लो 100 में से 50 लाना कितना इजी है? इजी है। 80 में से 50 लाना कितना इजी है? मुश्किल है कि नहीं है? आई रिपीट, 100 में से 50 लाना इजी है कंपैरेटिवली, बट 80 मार्क में से, 80 मार्क्स में से 50 लेके आना प्रॉब्लम है। और उससे बुरी बात यह है कि बेटा तुमने 9 महीने पूरा प्रिपरेशन किया अच्छे से, तुमने पूरा प्रिपरेशन करने के बाद में तुमने बहुत अच्छे से आंसर्स भी क्या बोलते हैं उसको समझ लिए, कर लिए, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, एग्जाम हॉल में गए तुम और तुमने 100 की जगह पे सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर लिखा, तुम्हें 20 मार्क्स का आ रहा था, इससे बड़ा दुर्दैव क्या होगा, इससे बड़ा दुख की बात क्या होगी? हो सकती है कोई कि मेरा बच्चा फेल क्यों हुआ? इसलिए नहीं फेल हुआ कि उसको आता नहीं है, इसलिए फेल हुआ क्योंकि वो पूरा पेपर नहीं लिख पाया। और सीए इंस्टीट्यूट मार्क्स काटती है, बांटती नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव समझो सीए इंस्टीट्यूट का, वो पास नहीं कराना चाहती, वो मेजॉरिटी को फेल कराना चाहती है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन सीए कोर्स, माइनॉरिटी पास। 11 ट्वेल्थ में उल्टा था, मेजॉरिटी पास होते थे, मतलब बहुत मुश्किल है 11 ट्वेल्थ में फेल होना, मतलब आपको जेन्युइनली मार्क चाहिए, मतलब एकदम खदेड़ा बच्चा चाहिए तब 11 ट्वेल्थ में फेल होगा। सीए में ऐसा नहीं है, सीए में यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग हेडेड टू पास, यस और नो? सो मेरी आपसे यही दरख्वास्त थी कि जब मैंने टाइमिंग की बात बोली तो मैं क्लास में टाइमर लगाऊंगा, मैं आपको पहले ही दिन बता देता हूं कि आपके साथ क्या होने वाला है। टाइमर लगाने के बाद में कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, इसका मतलब ये है कि आप इंप्रूव हो रहे हो। मैं इसको ऐसे समझाता हूं हमेशा बच्चों को कि जब आप फर्स्ट टाइम चलना सीखे थे तो आप गिरते ज्यादा थे, आपका बैलेंस कम रहता था, आप चलते कम थे, बट वो इंटेंशन सही रहने के बाद और एक्शन सही लेने के बाद में आप चलना सीखे, गिरना नहीं सीखे, यस और नो? सो मैं आपको चलना सिखा रहा हूं, तो शुरुआत में जब हम टाइमर पर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी क्या? यस, टाइमर पर मतलब इधर स्पीड की घड़ी चलती रहेगी और इधर बच्चे बोलेंगे यस हो गया, यस हो गया, यस हो गया, यस हो गया। और मैं चाहता हूं कि तुम क्लास में, स्पेशली ऑनलाइन लाइव के बच्चे, कुछ समय के बाद में ना गधेड़े बच्चे मेरे साथ है ना संपर्क में नहीं रहते, ऑनलाइन लाइव के बच्चों गधेड़ो सुन लो, मैं आपकी चैट पढ़ते रहूंगा, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब आपका हो जाए क्वेश्चन तो आपके इमेजेस भेजना क्वेश्चंस के आंसर्स की। और आप सभी लोगों ने भी ये बात ध्यान रखना कि यू नीड टू रेज योर हैंड्स,
रैंडमली आपकी कई सारे बच्चों की मैं बुक्स देखूंगा, उन बुक्स में देखूंगा आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, और जहां पर जरूरत होगी इंप्रूवमेंट करेंगे। कुछ हमारे साथी दोस्तों के प्रेजेंटेशन को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कौन सा तरीका गलत है कौन सा तरीका सही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ, मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरी क्लास को समझा दूं कि क्या क्या गलतियां हो सकती है। तो मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, हम दोनों एक टीम में साथ में रहेंगे। पॉइंट टेकन अप सर। सो पहला मैंने बताया था टाइमिंग, सेकंड पॉइंट मैंने उसके अंदर क्या बोला था, क्या बोल रहे हो, हैंडराइटिंग। जब तुम्हारा 8-0 के जैसे दिखने लग जाता है और तुम्हारा 0-9 के जैसे दिखता है, 4-9 के जैसे दिखता है, 7-9 के जैसे दिखते हैं, ये सीए में बहुत ज्यादा मार्क्स कटवाने के लिए काम आते हैं। मैंने पेपर देखे भाई, मैंने आंसर जब आए बच्चों के, मैंने देखा बच्चा क्यों फेल हुआ। मुझे मुझे मैं टीचर मुझे नहीं समझ में आता कि उसको आंसर आ रहा है कि नहीं, यार 100% आ रहा है, बट जब उसके हस्ताक्षर सही नहीं होते तब उसके वजह से उसके मार्क्स कटने लग जाते, क्योंकि आप आपके एग्जामिनर के साथ कम्युनिकेट सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हो, वो है आपका पेपर पेपर पेपर। तो अब आप मेरे को बोलेंगे सर मैं इतना बड़ा हो गया, अब मेरी हैंडराइटिंग कैसे सुधर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम हैंडराइटिंग सुधारो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो लिखो वो समझ में आना चाहिए। यह चीज तुम सोचो कि मैं डायरेक्टली एग्जाम हॉल में करूंगा, ये गड़बड़ है। ये जो कुछ भी करना पड़ेगा आपको इधर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। याद है ना जिम, मैं डायरेक्टली एग्जाम के पहले करूंगा या डायरेक्टली कॉम्पिटिशन के पहले करूंगा, नहीं पॉसिबल है। यह आपको कब करना पड़ेगा, डे वन से। हैंडराइटिंग अगर आपकी खराब है और आपको पता है तो चिंता मत करो, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, नाउ इट हैज बिकम अ सॉल्यूशन, बिकॉज यू नो दैट एवरी डे इफ आई इंप्रूव स्लो एंड स्टेडी इट्स ओके। 7 दिन में नहीं होने वाला है काम। हैंडराइटिंग अगर आपको चेंज करनी है इंप्रूव करनी है, मैं समझता हूं, मैं पागल नहीं हूं कि आपको समय लगेगा, बट जब इंटेंशन और एक्शन साथ में नहीं आएगी तब मुझे प्रॉब्लम है। इंटेंशन और एक्शन समझते हो, बच्चा छोटा था राइट, बोल नहीं पाता था, पहला शब्द बोला मां या कुछ भी मम्म, ऐसा नहीं है कि वो पूरा परफेक्ट बोल रहा था। मुझे भी समझ में आता है कि उतना फास्ट नहीं बोल पाएगा, मुझे भी समझ में आता है कि आप इतने फास्ट इंप्रूव नहीं कर पाओगे, बट जब इंटेंशन में प्रॉब्लम है और एक्शन में प्रॉब्लम है तब मुझे प्रॉब्लम है। तो इस क्लास में उस चीज के ऊपर भी फोकस करना है, दैट इज सेकंड वन इज हैंडराइटिंग। थर्ड वन आई सेड वॉज अबाउट प्रेजेंटेशन, इजंट इट। क्लास में कई सारे बच्चों को क्या लगता है कि मैंने आंसर निकाल दिया मतलब बहुत भारी, नो। तुम्हें अभी सीखना है कि किसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्पीड के साथ रॉन्ग आंसर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। स्पीड एक्सीडेंट कराती है विदाउट कंट्रोल। स्पीड क्या कराती है, बहुत बड़े एक्सीडेंट कराती है, लोग जान से हाथ धो उठ बैठते हैं, यस और नो। इस दुनिया का दस्तूर बहुत भारी है, तुमको सुनकर बहुत भारी चीज लगेगी, देखना तुम सुनना। जो आदमी बहुत गाड़ी फास्ट चलाता है तुम्हें क्या लगता है वो मरना चाह रहा था क्या, वो सिर्फ जल्दी पहुंचना चाह रहा था। जो आदमी गाड़ी फास्ट चलाता है बहुत फास्ट, उसका गुनाह क्या है, वो सिर्फ जल्दी पहुंचना चाह रहा था, वो मरना नहीं चाह रहा था। पनिशमेंट कितनी बड़ी मिलती है पता है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग अपाइज हो जाते हैं फॉर द लाइफ। भगवान के घर में है ना, जो कोई भी हमको गाइड कर रहे या जो गवर्न कर रहे, उसके अंदर तुमने क्या दोष किया या क्या पाप किया और उसका तुम्हें क्या पनिशमेंट मिला, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल ही नहीं है। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बहुत छोटा बच्चा, बहुत क्यूट बच्चा, बहुत मस्ती करने वाला बच्चा, मतलब देखते ही बच्चे को प्यार हो जाए, एक्साइटेड भागता है दौड़ता है करता है इधर उधर, और गलती से वो टेरेस से ध्यान न देते हुए एक नीचे गिर जाता है। गलती कितनी सी थी, वो बच्चा ये नहीं था कि वो गिरना चाह रहा था, बच्चे की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसने ध्यान नहीं रखा और वो तो जीना चाह रहा था, वो तो एंजॉय करना चाह रहा था, गिरा नीचे पैर टूट गया, फॉर नेक्स्ट 7 मंथ्स ही इज ऑन बेड एंड मे बी ही विल नॉट बी एबल टू वॉक। तुम समीकरण समझ पा रहे हो, हमारे जीवन का समीकरण समझे आप। गलती छोटी है बट जिसका आपको पनिशमेंट मिलेगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। लाइफ में झूठ बोलने का पनिशमेंट, आप रिलेशन खो देते हो। तो बेटा जी मैं क्लास में ऐसी कोई चीजें नहीं सिखाता कि बड़ी बड़ी चीजें करो, मैं तो यही सिखाऊंगा छोटी छोटी चीजें सही से करो। अगर आप आंसर सही निकाल रहे हो और अगर उसकी वर्किंग नोट नहीं बनाते हो, बेटा मुझे पता है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे,
मुझे पता है कि जितना समय आप इधर क्लासेस में बिताओगे वो सब जीरो हो जाएगा। मुझे ये भी पता है कि जो आपके माता पिता ने पैसा लगाया वो सब बर्बाद हो जाएगा, आपने जो टाइम इन्वेस्ट किया वो बर्बाद हो जाएगा। भाई साहब इसको लाइटली मत लेना, जो मैंने तीन पॉइंट्स बताए कि पहला टाइमिंग, दूसरा वाला हैंडराइटिंग, और तीसरा वाला बोला मैंने प्रेजेंटेशन, वर्किंग नोट नहीं करोगे मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम फेल होंगे। मैं वचन दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग एन ऑप्शन कि नहीं पास हो सकते हैं, नहीं, आई एम प्रॉमिसिंग यू विल फ्लंक। तो ये चीज कितनी बड़ी, बहुत बड़ी है क्या? छोटी है। जो बच्चा आंसर निकाल सकता है वो वर्किंग नोट भी बना सकता है, वर्किंग नोट को प्रेजेंट कर सकता है सही से, बट ये ना करने की वजह से बच्चा फेल हो जाता है। एग्रीड? सो किन तीन चीजों के ऊपर आप ध्यान दोगे? हैंडराइटिंग, टाइमिंग और प्रेजेंटेशन। बाकी हैंडराइटिंग और इसके बारे में तो मैं पूरा ध्यान रख लूंगा। किसके बारे में? प्रेजेंटेशन। एक चीज के बारे में वांदे हो सकते हैं, कौन सा वाला? टाइमिंग। तो उसके लिए मैं तुमको बताया कि सिर्फ दिमाग में शांति से रहना कि मैं इंप्रूव करा दूंगा। ओके, अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे धीरे धीरे अभी हम डेवलप कर रहे हैं। लिखिए थर्ड पॉइंट, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ With whom? Do not compare yourself with others. Okay, यहां पर कोई दोस्त आया? बहुत जिगरी दोस्त, कोई जिगरी दोस्त नहीं है कोई? गुड, हाँ हाथ ऊपर करो ना फिर, क्या है? है क्लास डरती है एकदम। जिगरी दोस्त आए क्या कोई? जिगरी मतलब दोस्त है, बहुत एक दूसरे को जानते हैं, करते हैं, आए साथ में। ठीक है, हमारे पास ये गुड़िया ये दो खड़ी हो जाएंगी बेटा आप दोनों। हाँ बेटा कौन है? इधर भी है, ठीक है, ओके गुड। तो मैं बुलाता हूं किसी को। तुम्हारा नाम? मिताली। तुम्हारा नाम? नैन्सी। कहां से आए आप? कहां पे? अकोला। इधर आ तू, एक ये माइक दे रहे इसको, इधर 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 इधर। हे भाई कहां है पंटर लोग? कहां है मेरे? हे गाड़ो आ तो मैनेज करते। तू कौन है? मेरे को लिखना पड़ेगा अभी। तू मिताली है ना? कहां से है? अकोला। मिताली अकोला से आई है, अकोला दो। ठीक है, अरे एक पेन दे रहे, पेन ठेवलो एक एकड़े। माइक दिया गया उसको। हाँ मिताली, तुमको यहां पर मैं जो चीज पूछूंगा वो आपको यहां पर लिखना है और फिर हम उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्या रूल? सिंपल है, ये दोनों बहुत जिगरी दोस्त है, मुझे लगता है एक दूसरे जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। हाँ या ना? मैंने नहीं बोला, ये बोला हम दोनों जिगरी दोस्त है। मैं बोलूंगा कि मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर इसने यहां पर लिखना है और वो वहां से बताएगी कि क्या है। इज दैट ओके? यस। एंड आई विल आस्क यू, I'll ask her very many simple problems. ठीक है, so I'll ask you the first question. What did you eat yesterday night? You write it down here and we'll ask her. You write. तो उसको मत देख, तो अभी इधर ही देख सकते हैं ना। Like, what did you eat yesterday night? ठीक है, बहुत बढ़िया। Second चीज, आपकी नेटिव प्लेस की जगह का नाम लिखिए और आप नेटिव प्लेस, आपके फोर फादर्स कहां से है? नेक्स्ट, आपके पिताजी का नाम लिखिए। नेक्स्ट, आपके पापा कौन सा बिजनेस करते वो लिखिए, या जो भी करते वो लिखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज थे वो लिख। और कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो? बेसिक बेसिक सब बेसिक क्वेश्चन ही पूछे मैंने, राइट? और कुछ पूछना चाहते हो कि तुम? हाँ हॉबीज लिखो तुम्हारी। नहीं, यू कांट सी इट।
ठीक है, अब हम यही क्वेश्चन पूछेंगे, कल रात को ये छोरी क्या खा के आई है? भिंडी की सब्जी, आंसर बराबर है। इसने भी यही लिखा, लेडी फिंगर, रोटी एंड भिंडी, गुड। नेक्स्ट, इनका नेटिव प्लेस के जगह का नाम बताओ। मूर्तिजापुर, ये भी सही है भाई, जोरदार। पिताजी का नाम बताइए। सो वो भी नाम बिल्कुल सही है। इनके पिताजी क्या बिजनेस करते हैं? तो क्या बिजनेस करते हैं वो नहीं पता, कोई बात नहीं। अच्छा पता है, पर तू क्या बोलते पता? तूने वो लिखा है, बट देन यू नो व्हाट ही डज, राइट? हाँ। सो नाउ नेक्स्ट, भाई साहब ये तो पूरा परफेक्ट मैच निकल रहा है, मैं हार रहा हूं इधर। ट्वेल्थ के कितने परसेंटेज है छोरी के? 98। अच्छा, और ऐसे करे तो? ओके, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। शी हैज रिटन 97.4, उसने बोला 98%, राउंड ऑफ कर 98% और 97. समथिंग। इनके हॉबीज क्या है? डांसिंग। माँ कसम, आईला ताली बजा रहे भाई साहब। सो व्हाट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू नो कि व्हेन यू वांट टू कंपेयर, सो कंपेयर विद अ पर्सन हुम यू नो क्लियरली। बाकी के मेजॉरिटी लोग आपके बारे में जो भी सोचते हैं या जिनके साथ आप कंपेयर करते हो, वो आपके बारे में ना कुछ जानते हैं ना आप उनकी सिचुएशन को जानते हो। तो मैं चाहिए तो मैं एक और एग्जांपल ले लूंगा, बट तुमको जब मैंने इनको बुलाया यहां पर, तुम्हारे को लगा था भाई साहब इसमें तो अपनी बैंड बज जाती थी, अच्छा वो अपन नहीं गए जो पहले हाथ ऊपर कर रहे थे वो। बराबर है ना? ये एक्सेप्शनल केस निकला, ये एक्सेप्शनल निकला। लाइफ में एक चीज क्या होती है ना लफड़ा, कि हम कंपेयर करते हैं ना जब एक दूसरे को, तो लोचा क्या कर देते हैं कि सामने वाला आदमी हमारे बारे में कुछ नहीं जानता या हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, बावजूद इसको हम उसके साथ में कंपेयर करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा है, राजा बेटा जी, मैंने अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया इसलिए प्रोग्रेस कर पाया। और जो लोग कंपेयर करके तुमको बोलते थे कि तुम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते थे, हमने उनको चीजें कर दिखाई। आशा करता हूं कि आपके जहन तक ये बात पहुंची कि आप किसी को भी अपने साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी स्पीड, आपकी चीजें सब आपको काम आएगी। अपन पूछ लेते, तुझे खाने में क्या पसंद है? पाव भाजी। तुझे क्या पसंद है? गोबर खाएगी क्या? सब में आता है वो। सो दैट्स द रीजन आई एम अगेन आस्किंग, खाने में क्या पसंद? इतना प्रेम से पूछा, बताते को नहीं। मैगी। और ये छोरी को पसंद है पाव भाजी, कैसे कंपेयर हो सकता है? हो सकता है कंपेयर नहीं। नेक्स्ट मुझे एक बात, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? तुम्हारा कौन सा है? ऐसे कौन जलील करता है यार? बट अरे अरे तुम जाओ यार, बैठो इधर, क्या है? कितना जलील करेंगे, मतलब क्या है ये? वो इतना मैच नहीं रहता है मेरे को। अभी है ना वो टीटू की स्वीटू की स्वीटी कोई है ना मूवी, मेरे को वो वाली मूवी याद आ गई। अरे इतना स्वीट कोई कैसे हो सकता है यार, वो कितना मैच है, परफेक्ट है। बट एनी विच वेज आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि दिस वॉज अ वेरी एक्सेप्शनल केस। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ। वेन यू कंपेयर योर सेल्फ, अरे तुम्हारे लाइफ उसके हाथ में दे रहे हो डिसीजन मेकिंग के लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कंपेयर करने का मतलब क्या होता है। मैं और मेरी बाईडी, मतलब माजी बाई को, तो हम दोनों शादी करना चाह रहे थे, मतलब हम दोनों ही करना चाह रहे थे, बाकी के लोग नहीं, बाकी के घर वाले नहीं, हमें नहीं लगता है। और उनको किसने बताया? पंडित जी ने। क्या देखकर? कुंडली। तुम बताए कि 50 रुपये, 51 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1000, 501, 701 में सब लोग हमारे डिसीजन के बारे में, हमारे लाइफ के बारे में डिसीजन दे रहे थे। इनमें युद्ध होगा, राइट? बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, संकट है, लड़का 2 शादियां करेगा। तुम्हें समझ आ रही है बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग पॉइंट? तो बेटा जी, जब मैं उस पर ही डिपेंडेंट अगर रहने लग जाऊं, आई विल नॉट प्रोग्रेस इन माई लाइफ। टूडे शी इज विथ मी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी एंजॉय ईच अदर्स कंपनी एंड वी हैव बीन डूइंग फैंटास्टिक टिल डेट। वो पंडित जी की बात सुन लेते तो बैंड बज जाती। समझ में आ रहा है कि नहीं? पता नहीं और कौन कार्टी आती, मतलब
डिपेंड्स ना, ज्यादा कार्टी लेस कार्टी, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो बेटा जी आप इस लाइफ में, ये क्लास छोड़ो रे, इस लाइफ में अपने आपको किसी के साथ कंपेयर नहीं करोगे। यू ऑल आर गोइंग टू डू व्हाट, व्हाट इज सुटेबल फॉर यू, यू विल फॉलो योर स्पीड। कितने सारे बच्चे ऐसे देखता हूं मैं जो स्पेशली जो इंग्लिश बैकग्राउंड जिनका नहीं है, जल्दबाजी में करते, उसका हो गया मेरा भी हो जाए, नहीं मत करना मत करना। मैं खुद सोलापुर से आया था, मतलब जहां पर इंग्लिश का इतना प्रयोग या इतना प्रयोग नहीं होता था, नहीं बोल पाते थे, वी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश दैट वेरी फ्लुएंटली, राइट। एंड व्हेन यू सी पुणे पीपल, दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट दैट इज द ग्रूमिंग ऑफ सो मेनी इयर्स एंड आई वॉज नॉट ग्रूम्ड फॉर दैट, सो आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। और अगर मैं वो नहीं समझते हुए आगे पढ़ता जाऊं, भागते जाऊं, गड़बड़ है। पढ़ो आराम से पढ़ो, तुम्हारी स्पीड लो, तुम तुम्हारे हिसाब से जाओ, साइकिल से भी पहुंचेंगे, कार में भी पहुंचेंगे, बस में भी पहुंचेंगे, स्पीड तुम्हारी तुमको काम आएगी, तुम्हारे पास कौन सा व्हीकल है उस वो तुमको काम आएगा। दूसरे को देखकर मतलब नहीं है सर, किसी और को समझ गया तुमको नहीं समझा तो आगे मत भागो, तुम कर कर फिर ही आगे चलो। आ रही बात धन में, तो इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को एक साथ लेके चलूं। तो आपने कौन सा पॉइंट लिखा, वो डू नॉट कंपेयर विद अदर्स, उसमें क्या होता है ना, यही लफड़ा होता है कि जो पंडित जी हमारे साथ करते थे ना भाई, तुम्हारे लाइफ का डिसीजन किसी के हाथ में दे देते और उसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। Agreed, so we will not do that. All right, now it's time that boys and girls, we will understand what all we are going to do it in the class. So are we ready? So हम क्लास में क्या क्या करने वाले हैं उन सभी चीजों के ऊपर अभी चर्चा कर लेते हैं। Yep. हाँ हाँ कोई बात नहीं, यप हियर वी गो। सो बेटा जी आपको पहले मैं फीचर्स के पास ले जाता हूं। हाँ लेट्स सी आर फीचर्स। पहली चीज आपको क्या क्या मिलेंगे मेरी तरफ से, ये मेरे को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली ऑनलाइन लाइव के बच्चों को, क्योंकि उनको मैं जब कनेक्ट करता हूं तो इसी तरीके से कनेक्ट करता हूं। तो ऑनलाइन लाइव के बच्चों आप ध्यान से सुन लीजिए और बाकी के बच्चे आप भी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। सो ये है आपको जो मिलने वाला है पहले शुरुआत में। हाँ आई थिंक बुक का कवर चेंज हो गया ना, अरे यार ये तो पुरानी बुक ले आए तुम, नई बुक है क्या किसी के पास मेरी वाली, यही है नहीं, इसका कवर सेम ही है क्या। ऑल राइट अब तुम एडवांस अकाउंट्स में कंफ्यूज हो गया, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग हाउ मेनी वॉल्यूम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 वॉल्यूम्स ये मिलेगी, ओके। ये वॉल्यूम्स छोटी बनाने के पीछे रीजन इतना ही था, सो दैट यू कैन नो यू कैन कैरी इट इजिली, ऊपर आते जाते वक्त आपको दिक्कत ना आए। सो दीज आर ऑल चैप्टर वाइज, दो दो तीन तीन चैप्टर के कंबाइन कर कर है ये बनी हुई बुक्स है। इसके साथ में आपको और एक ये चीज मिलेगी विच इज अ की नोट। की नोट इज वॉट यू कैन रिवाइज इट थ्रू दिस एंड ऑल दिस बुक्स आर कलर्ड बुक्स, इज दैट ओके। आफ्टर दैट यू विल बी ऑल्सो गेटिंग दिस एडिशनल बुकलेट। अब एडिशनल बुकलेट क्या होता है कि कई बार जब बुक्स प्रिंटिंग के लिए जाती है तो उसमें सारे मतलब बल्क में जाती है प्रिंटिंग में, मतलब 4000 बुक्स एक साथ प्रिंटिंग में गई तो उसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस नहीं आ पाते, तो एडिशनल क्वेश्चन आपको सेपरेटली दिए जाते हैं इस तरीके से। सो प्रत्येक टॉपिक के एडिशनल क्वेश्चंस इसमें आएंगे, बट ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में वो क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूड अगर हो गए होंगे तो आपको एडिशनल बुकलेट नहीं मिलेगी। जैसे आने वाले समय में क्या होगा कि अभी जो बुक्स प्रिंटिंग के लिए गई है उसमें एडिशनल बुकलेट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब वो क्वेश्चन इंक्लूड हो गए, समझ में आ रहा है। पेज नंबर वगैरह सब ध्यान से रखा जाता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जैसे मैंने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अगर मान लो टॉपिक लेता हूं मैं, सो इधर पेज नंबर क्या है 34, इफ यू कैन सी इट द पेज नंबर इज 34, तो आपकी बुकलेट में वो पेज नंबर कौन सा हो जाएगा 34, मतलब उसके आगे के कॉन्सिक्यूटिव पेजेस होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। जैसे मैंने कहा था कि मेरी बुक हमेशा चेंज होती है, तो पहली बात यह है कि आपको 7 बुक मिलेगी, एक कीनोट मिलेगा और एडिशनल बुकलेट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपको अपडेटेड बुक मिली है या पहले वाली बुक मिली है, इज दैट ओके। सो पहली बात आपको कलर नोट्स मिलेंगे। सेकंड चीज आपका क्या है, इन कलर नोट्स में क्या क्या कवर्ड है। सो आई वुड लाइक टू रिपीट इट, मैं पढ़ाता जब आपको हूं तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं, तुम अच्छे विद्यार्थी बाद में बनो, पहले मैं एक अच्छा शिक्षक बनूं। तो मुझे आपसे कोई एतराज नहीं, अगर आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक, कोई दूसरी बुक का कोई प्रश्न सॉल्व करना चाहो तो बिंदास्त करो, मैंने क्या ही पढ़ाया अगर मैंने आपको
ये बोल दिया कि तुम सिर्फ मेरी बुक रेफर करोगे, मैं ऐसा आदमी नहीं है। मैं तो बोलूंगा कि मैंने पढ़ाना ऐसा कि वो पढ़ाने के बाद में आपने किसी भी बुक का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहिए, बट साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जो 9 महीने में कवर हो सकता है उतना करना चाहिए। मैं आपको मेरी तरफ से बता सकता हूं कि मैंने क्या क्या किया है, और फिर मैं एक लाइन में यह भी बताऊंगा कि आपने क्या क्या करना चाहिए। सो मैं आपके जितने भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, मतलब जैसे अभी हम कौन से महीने में बैठे हुए हैं, फरवरी, अभी लेटेस्ट एग्जाम कौन सी हुई है, डिसंबर 21 के सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में इंक्लूडेड है, एग्जाम क्वेश्चंस। आप तो अभी की बात करो, एडवांस अकाउंट्स की जो बैच चल रही है अभी मेरी, दैट बैच स्टार्टेड समवेयर इन द मंथ ऑफ जैन बिगिनिंग, उनके बुक्स में भी डिसंबर 21 के सारे क्वेश्चंस इंप्लीमेंटेड है, तो आपके बुक में तो होना ही था। तो बोलने का तात्पर्य है कि आपके आरटीपीज, इंटर के जितने भी आरटीपीज, वो आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर भी नहीं मिलेंगे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी नहीं, बट जितने भी आरटीपीज, जितने भी मॉक पेपर, कुछ मॉक पेपर अभी आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी नहीं मिलेंगे, जितने एग्जाम पेपर्स हुए, जितने भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, कहीं पर भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर या इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कोई भी नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए गए हैं मेरे टेक्स्ट बुक द्वारा। पॉइंट वन टेकन क्लियरली। अगर इसके बावजूद अगर आपको पढ़ाई करने की इच्छा हो एडिशनल कुछ क्वेश्चन बैंक, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा करो, क्योंकि अच्छी चीज है, इट शोज प्रोग्रेस। तब आपने पहली प्रायोरिटी देना मॉड्यूल को। सो मतलब मॉड्यूल कवर्ड नहीं क्या? नहीं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, मेरे बुक में मॉड्यूल पूरी तरीके से कवर्ड है, बट अगर आपको प्रायोरिटी देना है तो एक बार मॉड्यूल खोलना, और उसके बाद में रेफरेंस बुक, डायरेक्टली रेफरेंस बुक पे मत जाओ, क्योंकि आपका फॉर्मेट जितना इंस्टीट्यूट के साथ मैच करेगा उतना आपका स्कोरिंग ईजी रहेगा। हम जब भी हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे तो सारा का सारा मॉड्यूल के पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो क्या ये पॉइंट सभी बच्चों को क्लियर हो गया? क्या करने वाले बेटा जी हम सारे, ऑल एग्जाम पेपर्स और ऑल आरटीपी और मॉक पेपर, ऑल मॉड्यूल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, जब हमको कोई रेफरेंस बुक से लेने होते हैं तो कुछ रेफरेंस बुक से भी है और कुछ आईपीसीसी से भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं। पॉइंट टेकन, यस। नेक्स्ट, यू विल बी गेटिंग की नोट्स, आई हैव ऑलरेडी शोन यू कि की नोट्स कैसे होते हैं। थर्ड पॉइंट, यू विल बी हैविंग टेस्ट सीरीज। मैंने जैसे आपको बताया था कि हर संडे का आपका टेस्ट सीरीज होगा, कभी होगा टेस्ट सीरीज, एवरी संडे, एग्रीड। कौन से संडे से चालू होगा? कल तो नहीं हो सकता, उसके अगले संडे भी शायद नहीं होगा, उसके नेक्स्ट संडे से आपकी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। ओके, लेट्स गो ऑन। अच्छा, सिर्फ अकाउंट्स की होगी क्या? नहीं, एड एसपीसी विल बी हैविंग टेस्ट सीरीज ऑफ 2 सब्जेक्ट्स एवरी संडे। सो फर्स्ट मे बी अकाउंट्स एंड टैक्स हो सकता है, फिर नेक्स्ट होगा कॉस्टिंग एंड लॉ, इस तरीके से परमिटेशन कॉम्बिनेशन से आपकी टेस्ट सीरीज होगी, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स यू हैव एनरोल्ड विद एसपीसी, यू विल बी गेटिंग द टेस्ट सीरीज। पॉइंट क्लियर? यस। नाउ द नेक्स्ट वन। अच्छा, जो बच्चे पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं उनको बता दूं कि बेटा जी आपके लिए भी ये इंप्लीमेंट करने की सोचा हुआ है, आपके लिए भी इंप्लीमेंट होगा, ऑनलाइन लाइव के लिए भी ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में क्या एक फर्क होता है मुझे बताना पड़ेगा। ऑनलाइन लाइव बच्चे जो अभी यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं और जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, उनका तो सिलेबस साथ में ही चलेगा, सो दे कैन गिव द टेस्ट सीरीज। जो मैं सिलेबस आपको बताऊंगा उसके हिसाब से टेस्ट सीरीज तुम तो दे दोगे, तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वो टेस्ट सीरीज वो भी डिसिप्लिन में दे। तो टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए है क्या? पॉइंट है, है। उसका मैकेनिज्म पर काम चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े मैसिव स्केल पर काम चलता है वो, तो उसके मैकेनिज्म पर काम चल रहा है। तो आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर हम उसके बारे में भी आपको इत्तला कर देंगे। आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये काम करना होगा कि यूट्यूब पर मेरे वीडियोज जब आएंगे आगे 7 दिन में, तब आपको ये देखना होगा कि किस तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज होगी। ऑलराइट, सो ये बात कहां तक पहुंची बेटा जी? एक हो गई टेस्ट सीरीज की। अब वीडियो लेक्चर्स बैकअप, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। मुझे पता है आप बीमार पड़ोगे, मैं भी बीमार पड़ता हूं, राइट? और ऐसा भी होता है कि कई बार हमारे लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल सबमिशन है। कल मुझे एक बच्चा मिला था, मैं चंडीगढ़ से हूं सर, शायद मुझे जाना पड़ सकता है चंडीगढ़ में एग्जाम देने के लिए बीकॉम के, राइट? यू विल बी हैविंग ऑल दोस प्रॉब्लम्स। ऑनलाइन लाइव वालों के भी यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई इंटरनेट चला गया, इंटरनेट नहीं है। सो बेटा जी, ऑनलाइन लाइव वालों को तो पहले से ही एक लेक्चर बैकअप मिलता है। बैकअप मतलब अभी ऑनलाइन देख लो और शाम तक आपको बैकअप लेक्चर मिल जाता है। मेरे फेस टू फेस बैच के बच्चों के लिए मैं बताता हूं बेटा जी, आई विल बी गिविंग यू एनी, लिसन केयरफुली, एनी 20% ऑफ द लेक्चर टू वॉच इट इन द गूगल ड्राइव। समझे नहीं समझे? मतलब अभी तुम क्लास में, आज क्लास मिस हो गई, तुमको ये लेक्चर देखना है, तुम अभी नहीं आ पाए बट तुम शाम को फ्री हो, तो तुम वो लेक्चर इमीडिएटली देख सकते हो। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू वन लिंक फ्रॉम वेर इन यू हैव टू डाउनलोड एंड यू हैव टू सी दैट लेक्चर। मेरा लेक्चर, मेरा ये लेक्चर होने के बाद में अगले 45 से लेकर 50 या कितना
डेढ़ घंटे में बोल दूं, एक से सवा घंटे में मेरा लेक्चर अपलोड हो जाता है। और इसमें हम बिल्कुल, मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है, इंटेंशन ये है कि तुम पीछे ना रहो। तो मेरे इस केस में मैं बहुत डिसिप्लिन से काम करता हूं, एक से सवा घंटे में लेक्चर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। अगर ना हो तो ब्रिंग इट टू माई नोटिस। ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि अपलोड मैं नहीं करता हूं और मैं हर रोज जाके चेक नहीं करता, मैं हर रोज जाके पूछता नहीं हूं किया क्या नहीं किया, किया क्या नहीं किया। बट ये इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हो जाना चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए। एक आध दिन दो दिन प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई कोई आदमी बीमार है तो नहीं हो पा रहा है, बट अदरवाइज इट इज डन। अगर मान लो आपको इसमें तकलीफ आ रही है तो ब्रिंग दैट टू माई नोटिस, इट विल बी टेकन केयर ऑफ इमीडिएटली, बट अदरवाइज एवरीडे। अब इसका मतलब ये हुआ कि तुम एबसेंट रह सकते हो, यू आर स्क्रूइंग अप योर सेल्फ, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिसिप्लिन। जब तक हो सके तब तक क्लास में आओ और क्लास में लेक्चर अटेंड करो। बट मैं ये नहीं चाहता कि यार तुम्हारा कोई तरीके से भी नुकसान हो, इसलिए मैंने आपको कहा कि 20% ऑफ द लेक्चर्स यू विल बी गेटिंग इन द बैकअप ऑल्सो। पॉइंट टेकन, कैन वी प्रोसीड नाउ? नाउ इज द नेक्स्ट, यू विल बी गेटिंग मैराथन लेक्चर्स, एंड मैराथन लेक्चर्स के बाद में और एक चीज यहां पर मेंशन करना रहेगा, इट इज वन डे बिफोर एग्जाम। वन डे बिफोर एग्जाम मतलब एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें करते हैं, इस तरीके से सारी चीजों को रेगुलराइज करते रहेंगे। इज दैट ओके? सो इसके अलावा अगर आपकी कोई और अपेक्षा है तो मुझे प्लीज बताइएगा। नहीं सर, अमित असा चालू हो तो ऐकल होता म्हणून आलो आहे। अच्छा, मैं जो भी मराठी में बात करता हूँ ना तो उसका पढ़ाई के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होगा, वैसे टाइम पास। अभी इधर बॉर्न एंड ब्रॉटअप है तो कभी कभी मराठी मुंह पर आ जाती है। कोई लोचा और कुछ? सभी को क्लियर है? ऑलराइट, ऑनलाइन लाइव वाले तुम्हें कुछ टेंशन है? प्राशु जैन, तुम सुनते नहीं हो बेटा, तुम्हारी तकलीफ क्या है कि तुम सुनते नहीं हो। सुनते तो ये चीज लिखते नहीं, मैंने इतना प्रेम से बोला, अगर इधर आकर बोला किया हूं तो तुम क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, ये बुक्स अभी यहां लिख लीजिए, ये सिलेबस लिख लीजिए, सिलेबस लोकर 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 सिलेबस। यार बुक का कवर तो तुमने ये डाला है यार, ये बुक का कवर वो नहीं है, ये कवर है बुक का, मैं श्योर हूं, ये कुछ भी लेके आया मेरे सामने। अरे तुम्हारे पास है, बट जो अभी नई प्रिंटिंग में गई उसका बुक का कवर ही है। कितने बच्चों को बुक्स नहीं मिली है? हाँ, तुमको ये बुक्स मिलने वाली है। क्यों नहीं मिली समझा क्या? हाँ, ये मिलने वाली है। ओ भाई जी मुझे माफ करना, वो गधेड़े लेके आ गए बुक्स, बुक का कवर ये है। तुम्हारी बुक में बेटा कंटेंट सेम है विथ एडिशनल बुकलेट, उनके बुक में एडिशनल बुकलेट नहीं होगी। अतः करते तई तुला। सो पहला वाला लिखिए, ये बुक का कवर ये है। हाँ ठीक है, सो लिखिए प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, यूनिट वन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हाँ लिख ले, कोई बात नहीं, अभी बैठो आराम से। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन लिख लिया बेटू। शैल आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप? चैप्टर टू लिखवा दू क्या? चैप्टर टू इंश्योरेंस क्लेम, तुमको ऐसे लिखना है इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ए भाई पहला पेज वर ली व्यवस्थित लिए, रफ में नहीं लिखने का, इसके बाद में मैं कुछ लिखाने वाला हूं इसके बारे में, और अगर लिखना भी है तो अच्छे से लिख, क्लास का रूल है, नहीं तो जाओ क्लास छोड़ के। लिखना है अच्छे से लिख, एक दिन आई है ना क्लास में, डेमो देख के जाना, देख के जा, बट कर रही है अच्छे से कर, क्योंकि मैं अच्छे से कर रहा हूं ना मेरा काम, खराब क्यों करने का, क्यों लिखने का लास्ट पेज पर, मैं नहीं करता ऐसे काम। पहला जो डेमो देख रहे ना क्लास में आकर बैठा है, अभी इधर का किंग में है, बात खत्म। और तुमको नहीं जमता है तो मत बैठो डेमो में, डेमो बैठ रहे हो ना तो जो मैं बोलेगा वो करने का, बात क्लियर है? मुझे नहीं लगता मैं इसमें कुछ गलत बोल रहा हूं, मेरे सामने जो बच्चा रहेगा वो सही से ही लिखेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और नहीं जमता है तो मत बैठो, समझ में आ गई बात ध्यान में, नहीं जमता है मत बैठो, मैं रास्ते पर नहीं हूं, बहुत भारी आदमी है, बहुत बहुत भारी आदमी है मैं, और जिंदगी में बहुत सुकून है। तो पहला वाला टॉपिक क्या लिखा? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। दूसरा वाला क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। तीसरा वाला लिखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। चौथा वाला लिखिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
ऑनलाइन लाइव वालों के बच्चों की कुछ क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। वो बोल रहे हैं कि सर जिन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल नहीं किया उनको भी टेस्ट सीरीज मिलेगी। अरे हाथ जोड़कर बोला हूं, मिलेगी 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 मिलेगी, कैसा बताऊं अभी? सुनो ना, थोड़ा कान खोलो ना। मतलब ऐसा भरोसा क्यों नहीं हो रहा है तुमको? करो ना भरोसा थोड़ा सा। अरे बहुत बहुत मेहनत की हमने इसके ऊपर, कि तुम्हें पता है कि कितने बच्चे पढ़े फाउंडेशन में? अंदाजा है कुछ? 12,000 बच्चों की टेस्ट कंडक्ट कराना मजाक है क्या तुमको? पुलिस भर्ती में नहीं होती इतनी टेस्ट सीरीज। नहीं, हमने किया है काम तो किया है, किया है तो किया है, एंड वी फील प्राउड अबाउट आवरसेल्फ। ये करने के लिए टाइम लगा इसलिए इतना लेट आया, बट हो रहा है काम। समझ में आ रही बात धन में? ये काम हो रहा है, टेस्ट सीरीज होगी होगी होगी। अच्छा, और एक बात, उसमें शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम भी होगी, बट इट्स ओके, बट वी स्टिल वर्किंग ऑन द इंप्रूवमेंट एंड इट विल बी इंप्रूव। ठीक है, अब चलते हैं। इंश्योरेंस क्लेम हो गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया, और कौन सा है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगला यूनिट के बारे में बता देता हूं, यह है कंपनी फाइनल अकाउंट। एक यूनिट में सिर्फ कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट। लिखा कंपनी फाइनल अकाउंट, दिस इज टॉपिक नंबर 5। शैल वी प्रोसीड? 6, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। नेक्स्ट लिखिए ब्रांच अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, नेक्स्ट लिखिए ब्रांच अकाउंटिंग। डन? ऑल राइट, नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स, देख क्या उधर लिख रहे हैं सब। रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोनस शेयर्स के बाद में क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख दिया साहब, गुड। कैन वी प्रोसीड नाउ? हायर परचेस, हायर परचेस, 11 टॉपिक, हायर परचेस। 12th वाला मैं जो बोल रहा हूं वो लिख दो, सिंगल एंट्री। 12th वाला जो मैं बोल रहा हूं वो लिख दो, सिंगल एंट्री। 12th वाला इतना पूरा मत लिखो, सिंगल एंट्री लिख दो, बात खत्म, क्योंकि मुझे आगे भी कुछ लिखाना है। सिंगल एंट्री, हैप्पी? यस। शैल वी प्रोसीड? फिर बेटा जी आपके कुछ एएस है तो उनके बारे में लिख दीजिए। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एएस, इंट्रोडक्शन टू एएस, इंट्रोडक्शन टू एएस, दिस इज यूनिट 7 में इंट्रोडक्शन टू एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस माने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा वाला सिर्फ लिखो फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क। तीसरा वाला लिखो एएस 1, अब आगे नहीं लिखा रहा हूं मैं, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सिर्फ लिख दो एएस 1। आई नीड टू गिव यू समथिंग मोर इन राइटिंग आफ्टर दैट। एएस 1, नेक्स्ट एएस 2, एएस 3, AS 10, AS 1, 2, 3, AS 10, बीच के कहां गए? ग्रुप 2 में है, राइट? 4, 5 ग्रुप 2 में है, 6 डिलीट हो गया, 7 ग्रुप 2 में है, 8 डिलीट हो गया, 9 ग्रुप 2 में है, 10वां इधर है, PPE इधर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। AS 11, AS 12, ये नहीं लिखे ला है, लिख, देख पिछली बार नहीं लिखा था, ये देख ले एक बार, ठीक है। AS 12, AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट, AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, मतलब AS 13 ही लिखो सिर्फ, और AS 16, ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, एग्रीड? अब देख लेते बेटा जी इनमें से एग्जाम में कौन से टॉपिक कितनी बार आए हुए हैं और कैसे कैसे गए, एग्रीड? सो हियर आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, कि इनका इंपॉर्टेंस लिख देते अभी हम। सो बेटा जी जो लास्ट में आपने लिखा था वो क्या लिखा था? एएस, लास्ट में जो आपने लिखा था एएस, राइट? तो जो लास्ट में लिखा था ना यूनिट 7, वो हर एग्जाम में
कंपल्सरी क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स, वो हर एग्जाम में कंपल्सरी क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स। साथ साथ उसका क्वेश्चन नंबर 6 में इट कम्स फॉर अराउंड 4-5 मार्क्स, सो इसका पूरा वेटेज है मार्क्स का 30 से 35, या आई कैन से 25 से लेकर 35। 20 मार्क्स इज कंपल्सरी, उसमें ऑप्शन ही नहीं है, और वो वहीं से आएगा, यूनिट 7 से आएगा, जो लास्ट में लिखा ना आपने, इंट्रोडक्शन टू एएस फ्रेमवर्क, AS1, AS2, AS3, AS10, AS11, AS12, AS13, यस और नो, वो वहां से आएंगे। ये रहा, सो AS के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो इट हैज बीन आस्क्ड इन ईच एग्जाम। सो राजा बेटा जी, अभी मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम्स कितने हो गए, पहले एक सेकेंड, हाँ इकड़े इकड़े खाली होता ना, कितने एग्जाम हो गए, May 18, November 18 दो, May 19, November 19 चार, December 20 और Jan 21, ये हो गए कितने, 6, July 21 और December 21, कितने एग्जाम हो गए, 8। सो राजा बेटा जी इसके लिए लिख दीजिए, AS के लिए इट हैज बीन आस्क्ड 8 on 8 times, मतलब जो लास्ट लिखा था ना आपने उसको करली ब्रैकेट दो, ये देखो क्या लिखा था आपने, ऐसे लिखा था ना, यू रोट लाइक दिस ना, इंट्रोडक्शन टू AS लिखा था, बराबर है, फिर उसके नीचे क्या लिखा था, फ्रेमवर्क, फिर क्या लिखा था, AS1, राइट, तो इसको सभी को करली ब्रैकेट देकर लिखिए, 8 on 8 times पूछा गया है, कितने मार्क्स के लिए बेटा जी, 20 से लेकर 30 मार्क्स के आसपास हम इसको एवरेज मान सकते हैं। 20 इज कंपल्सरी, मतलब 20 मार्क तो आएगा ही आएगा, नीचे का लेवल 20 है, ऊपर के लेवल में 30-35 मार्क्स तक आ सकता है, एग्रीड। सो बेटा जी कंपल्सरी टाइप है, AS 8 on 8। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो हमारा टॉपिक शुरू होगा, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, I'm sorry, ये ब्लू से शुरू होगा ना, सो बेटा जी ये एक एग्जाम में मिस हुआ है, बट अदरवाइज एवरी टाइम इट हैज बीन आस्क्ड फॉर 10-20 मार्क्स, सो इसको लिए लिख दीजिए, ये 7 on 8 times पूछा गया है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कितने टाइम पूछा गया, 8 में से 7 बार इस पर प्रश्न आया हुआ है, 10 मार्क्स का एट एन एवरेज, 20 मार्क्स का इस एग्जाम में है December 21 में, 20 मार्क का एक ही क्वेश्चन, बट अदरवाइज इट हैज बीन आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 10 मार्क्स। नेक्स्ट बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेन आई गो विद द इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम के लिए लिख दीजिए बेटा जी 8 on 8। इंश्योरेंस क्लेम कितनी बार पूछा हुआ है, 8 में से 8 बार, हो गए क्या पास, 20-10-10-40, तुमको स्ट्रेटेजी चाहिए थी ना, 20-10-10-40 मार्क्स, 20 किसके अंदर, AS, और 10 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, मतलब 8 एग्जाम में से 7 बार आप पास होते थे, मतलब अगर आपने 8 अटेम्प्ट दिए होते तो 7 अटेम्प्ट में आप पास हो सकते थे। मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल टाइम पास वाली बातें नहीं करता हूं, मैं बहुत सोच के बता रहा हूं आपको ये बात, मतलब जिन बच्चों ने अटेम्प्ट दे रहे कई सालों से, जो बच्चे कई सालों से अटेम्प्ट दे रहे उनके पास अगर ये 3 चीजें कर लेते, वो AS जो 20 मार्क का है कम से कम, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है विच कम्स फॉर 10 मार्क्स, और जो इंश्योरेंस क्लेम है विच हैज ऑलवेज बीन आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, अगर ये 3 टॉपिक कर लेते तो 40 मार्क उनका पेपर लिखने का बंदोबस्त हो गया, फिर भी पास क्यों नहीं होते लोग, वो रीजंस मैंने पहले आपको लिखा है, इधर डोंट फोकस ऑन बिग थिंग्स, फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल एरर, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, इज दैट ओके, तो इसलिए ये इतना पास होना इतना इजी नहीं है ये, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है आपको छोटी छोटी चीजों पर, रादर देन बिग बिग थिंग्स। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, राजा बेटा जी इट वॉज आस्क्ड, आई बिलीव इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑन 8 times। ब्रांच अकाउंट वॉज आस्क्ड फॉर 6 on 8 times, 6 बार पूछा गया। ससुरा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इट इज आस्क्ड 7 on 8 times। रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स इट इज बीइंग आस्क्ड 5 on 8 times। कंपनी फाइनल अकाउंट, ये नहीं 5 on 8 times नहीं है, 1, 2, 3, हाँ 5 on 8 times। कंपनी फाइनल अकाउंट
7 or 8 टाइम्स बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स 4 or 8 टाइम्स, चार बार पूछा गया 8 में से, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 7 or 8 टाइम्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बीन आस्क्ड 4 or 8 टाइम्स, सिंगल एंट्री 7 or 8 टाइम्स, हायर परचेस 5 or 8 टाइम्स। तो अब बताओ जिनको जिनको पास होना है, इजी कर दूं क्या काम? कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा करने पड़ेंगे? एएस वो पूछा जाता है, और 8 or 8 टाइम्स कौन सा है बेटा जी? इंश्योरेंस क्लेम, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, ये करना है। और जो 7 or 8 टाइम्स है उसको हमेशा अच्छे से करके जाना है। सो बात समझ जाओ कि आपका पास होना हो गया तय। अब नेक्स्ट चीज, ये हो गया ना, ये कितने टाइम आता है भाई? कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एक बार बता दो, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? एएस, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी, और 7 or 8 कौन सा? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, फिर कंपनी फाइनल अकाउंट है, फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, फिर सिंगल एंट्री है। मतलब जो 8 or 8 और 7 or 8 टाइम्स जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे रहेंगे। अब अगला पार्ट देख लेते बेटा, नेचर ऑफ पेपर कैसे होता है? किसी को आइडिया पेपर कैसा आता है? सो ये पैटर्न ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। सो मैं पैटर्न को बता देता हूं, ये December 21 का पेपर है। ओके सो सुनिए, आपका जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी है। कैन यू रीड इट केयरफुली? क्वेश्चन नंबर वन वुड बी कंपलसरी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि कंपलसरी है, वो क्वेश्चन 5 मार्क का एक होता है, और ऐसे 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि किस पर होते बेटा जी? एएस पर। जैसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है AS 11 पर, जब आप नेक्स्ट जाते हो तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है AS 3 पर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। सो पहला क्वेश्चन होता है AS पर, जो मैंने आपको बताया था बेयर मिनिमम कम से कम 20 मार्क का क्वेश्चन AS पर आता है, राइट? ये 20 मार्क्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 5 क्वेश्चन और दिए जाते हैं। इन 5 क्वेश्चन में से बेटा जी यू हैव टू डू एनी फोर एंड ईच क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स। सो बताओ कैसा पैप, कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके पास? 6, उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और 5 में से कितने सॉल्व करने होंगे? 4, और जो 4 सॉल्व करने हो कितने मार्क्स के आएंगे? 20 मार्क्स ईच। बट 20 मार्क्स में ब्रेकअप है, समटाइम्स दे विल आस्क यू 5, 5, 10, और दे विल आस्क यू 10, 10, और दे विल आस्क यू 12, 8, और दे विल आस्क यू स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर 20 मार्क्स। जैसे इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आए थे, आई जस्ट शो यू। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये देखो 10 मार्क्स का आया, इंश्योरेंस क्लेम पर है ये क्वेश्चन। फिर दूसरा भी 10 मार्क्स के लिए आया, अग्रीड, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे था शायद, नहीं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर ये आप देख रहे हो ये ब्रांच पर है 10 मार्क्स का, ये डिपार्टमेंट पर है 10 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन। ओके, ये कंपनी फाइनल अकाउंट पर आया था, कंपनी फाइनल अकाउंट पर ही था, नो इन्वेस्टमेंट पर था, आई एम सो सॉरी। फिर ये जैसे मैंने बताया था, ये देख लीजिए कितने मार्क का है, 12 मार्क्स का, और अगला क्वेश्चन कितने का बेटा जी? 8 मार्क्स का, एग्रीड। सो बेटा जी टेक्निकली आपको कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे? 20 मार्क्स, एग्रीड। उसका ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है। लास्ट का जो क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन ये कहां पे भाई? 6, ये आंसर एनी 4 of the following। आंसर एनी 4 of the following मतलब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको? 5, मतलब 6 के कितने सब पॉइंट? 5, बट उसमें से आपको कितने आंसर करने? 4। सो जो 4 आंसर करने, अगेन इट इज 5 into 4, 20 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स का पेपर इज कवर्ड 5 मार्क्स ईच। 40 मार्क का पेपर किससे कवर होता है? 5 मार्क का, और ये डिफिकल्ट नहीं होता है, ये इजी होता है। ये अगर आप पढ़ोगे अच्छे से जाओगे तो आपका इसका आंसर आना ही आना है। जो मतलब पहला क्वेश्चन है जो कंपलसरी वो 5 मार्क्स का है, और जो लास्ट का जो क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का ईच है। सो पेपर कैन नॉट बी डिफिकल्ट,
यू विल मेक इट डिफिकल्ट बाय नॉट स्टडिंग. तो मुझे बताओ 5 मार्क का क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे तुमको, क्या ही डिफिकल्ट पूछ लेंगे. तुम भी तो बचपन में ऐसी स्ट्रेटेजी बना के जाते थे ना, जब थर्ड में थे तब ट्रू और फॉल्स तो करके आ जाएंगे. सो ऐसे सीए लेवल पर 5 मार्क के क्वेश्चन इजी वाले क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे. क्या मेरी बात भेजे में घुस गई क्या, किसी को कोई टेंशन? अच्छा अभी टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है? 125 मार्क्स. कैसे? पहला क्वेश्चन 20 का, फिर बचे हुए क्वेश्चन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये भी 20 मार्क्स का, बट सिक्स क्वेश्चन इज फॉर 25 मार्क्स. 25 में से तुम्हें कितना अटेम्प्ट करना है? 20 मार्क्स. ये देख लो, सिक्स में एनी फोर बोला है ना, ए बी सी एक इधर है, डी और ई. ये देखो ये तक आ गया, दिख रहा है क्या रे भाई? सो लास्ट के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 5, और 5 में से आपको कितने आंसर करने होते हैं? एनी 4. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार. तो पेपर पैटर्न कैसे आता है जल्दी से मुझे बता दो, कितने क्वेश्चन आते हैं इन टोटलिटी? आवाज नहीं आती है. अच्छा 6 में से कौन सा कंपलसरी है? फर्स्ट क्वेश्चन किस पर आता है? तो क्या हमको इसको परफेक्ट करना है? यस, एएस को परफेक्ट करना ही पड़ेगा. दूसरा बेटा जी, अगले 5 क्वेश्चन में से आपको कितने सॉल्व करने होते हैं? 4. और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 20. उसका ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है, 10-10, राइट, 10-5-5, और इट कैन बी 8-12, ऐसा कोई भी ब्रेकअप आ सकता है. और कई बार तो क्या होता है, डायरेक्टली 20 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आ जाता है. हैप्पी? ऑलराइट, सो विद दिस वी हैव डन सो फार कि पेपर का पैटर्न क्या होता है. अब मुझे जो एक लास्ट पार्ट करना है, संतोष एक बार स्वप्निल भाई को पूछ, वो आ रहे थे. अब मैं आ जाता हूं आपको लास्ट पार्ट में. ये आपके नोट्स कुछ इस प्रकार के रहेंगे. ये देखो मैं क्यों बता रहा हूं आज ये डे वन को, तुम बाद में राड़ा कर नहीं चलता है, जो आए थे अत्यास करे थे बुरखाई से, है ना. अभी अभी के अभी खत्म करेंगे जो कुछ भी है. ये नोट्स है आपके, कलर नोट्स दिख गए आपको. इन नोट्स के नीचे कुछ बॉक्सेस बनाए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स होगा ऐसा. हर एक क्वेश्चन के क्या करता है, यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो लिखना पड़ेगा. सो पढ़ेगा अपना स्ट्रैटेजी क्या है, प्रत्येक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है. मैं हार्ड वर्क नहीं सिखाता, मैं स्मार्ट वर्क सिखाता, बिकम एफिशिएंट. हम हर एक प्रश्न एग्जाम के पहले नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं है बुद्धू. हम एक बार सॉल्व सारे करेंगे, बट उसके बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे. बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए क्लास में. तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा पीएल में. कितने बच्चों को दोनों ग्रुप देने इधर, बाद में तुम ही देख लेना मुकर जाओगे तुम. बट तुमको बताता हूं मैं क्या होता है. अभी कितने घंटे बैठते बैठे जी अपन, तुम्हारा अकाउंट कितना, 2.5 घंटे का है क्या? कितने दिन पढ़ाऊंगा मैं तुमको? 90 डेज, कम से कम 90 डेज तो रहोगे ना यार, बेर मिनिमम बोल रहा हूं. कैलकुलेटर पर लो, 2.5 × 90, 225 आवर्स, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? कितना? 225 घंटा में पढ़ाएगा तुमको. चलो घर में तुम बहुत फास्ट करेंगे, 150 आवर्स में कर लेंगे क्या? क्लास में क्या सबके साथ अपन हंसी मजाक करते हुए, आज का दिन जैसे ऐसे गया, राइट? तो कितना तुम 150 आवर्स में कर लेंगे घर में फर्स्ट रीडिंग. अब मैं आपको जो बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, कितने घंटे पढ़ते हो तुम मुझे बताओ. फाउंडेशन में कितने बच्चे हर रोज 8 घंटे पढ़ते थे? अच्छा मतलब कम है. कितने बच्चे 10 घंटे पढ़ते थे हर रोज? वाओ मतलब झूठ अच्छा बोलो. कितने बच्चे 11 घंटे पढ़ते थे हर रोज? 12 घंटे कौन कौन पढ़ते थे? अच्छा मतलब अभी मैं मानता हूं कि बेटा 12 मतलब बहुत ज्यादा हो गया, राइट? हमारे यहां सरकार भी बोलती है 8 घंटे ही काम करने का, बट ये ठीक है 12 घंटे पढ़ते. मैं मेरे लाइफ में कभी नहीं पढ़ा. 12 × तुमको 30 डेज, 12 × 30 कितना? नो संडे ब्रेक, नथिंग, तुम बीमार नहीं पड़ेंगे, 360. ये एक महीने का टाइम तुम्हारे पास रहेगा क्या? प्लस 360 मतलब तीन महीने का प्रिपरेटरी लीव होता है तुम्हारा. तुमको पढ़ने के लिए कितने दिन रहेंगे? 3 महीने रहेंगे. दो नहीं भाई, 3 महीने रहेंगे, ऐसा मत कर. सो बेटा जी क्या बोल रहा हूं मैं, तुम कितना घंटा पढ़ रहे? 12 × 90. कैन आई नॉट से यू विल बी हैविंग 1080 घंटे आवर्स? आओ समझे कि नहीं मैंने क्या कैलकुलेट किया. ये तुम कितने घंटे पढ़ रहे, अपन औकात के बाहर पकड़े, औकात के बाहर ही पकड़े है, नहीं करते तुम, मेरे को मालूम है. तुम अभी कितने भी साधु संत बन जाओ, मेरे को मालूम है मैं किनको के साथ डील करता हूं, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास. कितना घंटा पकड़ा मैंने? 12 घंटा. कितने दिन पढ़ने वाले तुम ऐसा?
90 डेज, एक आध दिन समझता मैं, एक आध दिन मैं भी पहलवान बना था, समझ में आ रहा है। सो मैंने क्या बोला, 12 मल्टीप्लाइड बाई 90 डेज, कितने घंटे हो गए तुम्हारे पास? 1080 आवर्स। कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे इसमें? डिवाइड बाई करता हूं 8, 135 आवर्स तुमको मिले। ये 135 आवर्स किसके लिए मिले? एक सब्जेक्ट को। अरे गधेड़े पर, इस 135 आवर्स में क्या क्या करना है मालूम है क्या तुमको? तुमको रीडिंग 1 करनी पड़ेगी, फिर उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उसके टेस्ट सीरीज भी देने की है। ये सब कितने घंटे में करने का है? 135 आवर्स में। पकड़े बात को? तुमको मैं एक जिंदगी की बहुत भारी सच्चाई बताता, बहुत भारी, मजा आएगी देखो तुमको। मैं सीए फाइनल की बात बता रहा हूं, मेरी खुद की। मेरा मेरे बापू के साथ झगड़ा हो गया, वो रोता रहेगा, मेरा तो होगा। फिर मैं बोला मैं एग्जाम नहीं देता, क्यों अपन क्या कर लेंगे? और बोले कि अपन एग्जाम नहीं देते। मैंने ऐसा बोला, मेरे भैया ने मुझे समझाया बुझाया और फिर मैं एग्जाम देने गया। बट जब अपन ऐसा डिसाइड कर बैठ जाते तो अपन पढ़ाई नहीं करते। मैंने पढ़ाई नहीं की, अब पढ़ाई नहीं की, फिर एग्जाम में जा रहा हूं। तो अब मैं तुमको लॉ के पेपर के पहले क्या हुआ मैं बता रहा हूं। एक बंदा बहुत सीरियस, बहुत पढ़ रहा, क्योंकि बेचारे ने बहुत दिनों से मेहनत की थी, फटी पड़ी थी बेचारे की। मैं बिंदास गया था, अपने को पहले मालूम था अपन फेल होने वाला है। मतलब आईसीआई के साथ ऐसा वार्तालाप था, तुम फेल नहीं कर सकते मेरे को, अपने को मालूम है अपन फेल होने के लिए आया, अपने को मालूम है। यू कैनॉट टेक एनीथिंग आउट ऑफ मी, मैं आया मैं उपकार कर रहा है तुम पर। मैं आया मैं देख के जा रहा है, नहीं ऐसा सच्चा हुआ, सीधा बैठ। तो क्या हुआ, मैं गया पेपर में, मैं उस अटेम्प्ट में पास हुआ हूं, मैं निडर होके गया हूं। और बाहर एक बंदा था, बहुत सीरियस था। मैंने उसको पूछा, क्योंकि मेरी लॉ प्रिपरेशन नहीं हुई थी अच्छी, मैं कभी ये स्टोरी फुल बाद में बताऊंगा, आज मेरे को शॉर्ट कर। मैं उस बंदे को पूछा कि भाई, क्योंकि अपन जब वेल ले रहे थे तो क्या अपन जल्दी पहुंच जाते एग्जाम पेपर, घर पर पढ़ना है नहीं, घर वाले पीछे पड़े रहे थे, अपन जल्दी पहुंच गए थे एग्जाम। और जो दूर दराज से आते, जिनको ट्रैफिक वैफिक लगती है, या बहुत दूसरे गांव से, खेड़े गांव से आते, वो जल्दी आते अकॉर्डिंग टू द बस। तो उधर झाड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा था, बहुत सीरियस था। मैंने उसको पूछा क्या क्या पढ़ रहे हैं लॉ में, ये सेबी गाइडलाइन में कौन से आती है? सेबी गाइडलाइन में, क्योंकि एनालिसिस अपना स्ट्रांग था, अपने को मालूम है सेबी गाइडलाइन एक तो आता ही। उसने बोला भाई सेबी गाइडलाइन ईसॉप वाली कर ले, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मेरे को आज भी याद है, यही है। और सेबी गाइडलाइन कितनी थी? 22-23 गाइडलाइंस थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत रद्दी। और वो बोला सेबी गाइडलाइन कर ले, ये ईसॉप वाली, ये आती है बहुत बार। बोला थैंक यू। मैंने पढ़ा, दो बार पढ़ा और मैं एग्जाम में जाके बैठा। तुमको मालूम, एग्जाम का पेपर खोला और मैं डांस किया मन के मन में, उधर नहीं करने दिया मेरे को, बट मजाक नहीं बता रहा हूं तुमको, ईसॉप की गाइडलाइन आई। अब मैं तुमको पूछता हूं, मैं उसको अच्छे से लिख के आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा? मैं छाप के आया हूं, तुम डाउट में मत रहो। मैंने उसके पहले ईसॉप कभी नहीं पढ़ा था और मुझे आज तक घंटा मालूम नहीं उसमें क्या है, मुझे नहीं मालूम। बट मैं एग्जाम हॉल के बाहर वो 20 मिनट में उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, दो बार, मेरे को उसका पूरा का पूरा याद आया एग्जाम में, मैं बहुत छाप के आया। लॉ में आई गॉट 59 और मैं पास हूं तुम्हारे सामने। तुमको पॉइंट क्या है वो बता रहा हूं। ए भाई ताली मत बजाए, बेकार था ये ताली मत बजा मेरे भाई, ये गलत चीज तुम लेके आ रहे हो, पकड़ रहे हो। मैं तुमको दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। अब जो बच्चे बहुत सीरियसली पढ़ते थे ना उस समय, उनको याद आया कि नहीं आया मेरे को मालूम नहीं, क्यों नहीं दैट आई डोंट नो बेटा, बिकॉज आई नेवर मेट हिम अगेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट लाइक। सो वो बंदा पास हुआ कि नहीं वो पूछ रही, मुझे नहीं पता। बट मैं आपको क्या बता रहा था इधर, इस पॉइंट में हम कहां तक पहुंचे थे कि बेटा जी, जो बंदा हर चीज पढ़ के गया और मैं सिर्फ उतना सा पढ़ के गया, उसमें मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, क्योंकि मैं छाप के आया था। भाई साहब इधर बात को समझो आप प्लीज, तुम इन 135 आवर्स में सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तुम मूर्खो अगर तुम सोचते हो सब कुछ पढ़ लोगे। मुझे मालूम है आज डे वन को, मैं अभी बता रहा हूं तुम्हें डे वन को, आज के 9 महीने बाद तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। और उसके हिसाब से प्लानिंग मैंने आज की है कि आपको हर एक क्वेश्चन के नीचे का बॉक्स फिलअप करना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा कि भाई साहब इसमें कौन सी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तुम नहीं लिखोगे नहीं चलेगा। क्यों लिखना पड़ेगा मालूम है क्या? तुम लास्ट में पूरा पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। और तुम बोलेगे हम बाद में करेंगे, बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक तुम भूल चुके होंगे कि कौन से एडजस्टमेंट है, तुम्हें दोबारा देखना ही पड़ेगा।
तुम अभी लिख सकते हो इसमें कौन से एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, तुम उसको अभी हाईलाइट कर सकते हो जब तुम मेरे साथ हो, बट जब दोबारा करना है तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा ना मेरी बात, पॉइंट टेकन। अच्छा तो पहला आपको ये वाला फिलअप करना पड़ेगा। अब ये वाला फिलअप करने के बाद में आपको और एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूं बुक्स में, ये किधर अपने पेपर, खुल जा सिम। ये देखो आपको इसमें इस तरीके की एक इंडेक्स दिखेगी, ये कहां पे दिखेगा, हर एक चैप्टर के पहले पेज पर, हर एक चैप्टर के पहले पेज पर आपको ये इंडेक्स दिखेगी। इस इंडेक्स में जितने भी प्रश्न हैं आपके वो सारे कहां कहां से लिए गए उसके बारे में हमने आपको फीडबैक दिया है। ओके जैसे अभी आप देख लीजिए इधर दिसंबर 21 का भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। अब बेटा सारे क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे एग्जाम दिन के पहले, तो आपको याद है हर एक क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स था, उसमें आपने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लिखी जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तब। फिर उसके बाद में टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपको एक टेस्ट सीरीज देनी होगी उसके ऊपर। वो कैसी है टेस्ट सीरीज मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। वो टेस्ट सीरीज देते वक्त आपको वापस पूरा रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको इस इंडेक्स को भी फिलअप करना है। इस इंडेक्स को फिलअप करने का क्या फायदा, ये आपकी बन गई मास्टर कॉपी। तो मतलब जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे तुम पहला पेज देखोगे, पहले पेज में पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन करने के। पहला वाला जो बॉक्स फिलअप कर रहे थे उसमें उस टॉपिक में उस क्वेश्चन में क्या है वो लिख दिया। फिर उसके बाद में जब आप पहली टेस्ट सीरीज दोगे तब आपका उसका रीडिंग हो जाएगा, और वो रीडिंग होते वक्त आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि कौन से क्वेश्चन मुझे एग्जाम के पहले देखने जो आपके हिसाब से आपको क्रिटिकल लगते हैं। इस बार फाउंडेशन में वन ऑफ माय स्टूडेंट्स स्कोर 98 मार्क्स, तो फिर मैंने ऐसे ही बोला कि भाई मेरे को भरोसा नहीं है, तू मेरे को दिखा, उसका इंटरव्यू मेरे यूट्यूब पर है, मैंने बोला ऐसा भरोसा नहीं है मेरे को दिखा तू कि 98 मिला, इट इज अ रियली ग्रेट स्कोर, बट मैंने जो जो चीजें बोली थी तूने की क्या नहीं की, तो मैंने बता तूने इंडेक्स भरा है क्या नहीं भरा, एंड यू विल बी सरप्राइज शी हैड फिल्ड अप द होल ऑफ द इंडेक्स। बड़ा ही मैजिकल तुम, मैं छाप के आया था ना, मैं क्यों छाप के आया था, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका था। तुम कब छाप के आ पाओगे, तुम कब सारी चीजें लिख के आ पाओगे, जब तुम सारे एडजस्टमेंट पहले देख चुके होंगे। सारे एडजस्टमेंट तुम कब देख चुके होंगे, जब वो तुम्हारे कंट्रोल में होंगे, और कंट्रोल में कब होंगे, जब तुम्हारे पास इंडेक्स होगी अवेलेबल। क्लियर है? सर आप हमारे लिए क्यों नहीं बना के दे सकते हो? मैं नहीं बनाकर दे सकता। तुम पूछोगे क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति को क्या चीज डिफिकल्ट जाएगी कह नहीं सकते। सभी को यहां पर मैथ्स इजी जाता है क्या? किसी को अकाउंट्स सभी को इजी जाता है क्या? नो। सभी को इकोनॉमिक्स इजी जाता है क्या? नो। एवरीवन हैज गॉट अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, and accordingly that index would be filled up customized for you. Happy? All right. और एक लास्ट चीज थी, बस इतना बताने के बाद में मेरे को लगता है कि अरे इसका देखो, प्रत्येक टॉपिक के नीचे आपकी ऐसी एक टेस्ट होगी, प्रत्येक टॉपिक के नीचे बुक में एक प्रिंटेड एक टेस्ट होगी, इसका नाम है टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम। इसका हम क्या करते हैं कि जो आपने पढ़ा है अभी तक, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में आपने खुद के लेवल पर एक बार इवैल्यूएट कर लेना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये ओरली देखो, लिख कर देखो, जैसे आपको जम रहा है वैसा करो। मैंने क्या क्या बोला, आप इसको कैसे देख सकते हो, ओरली देख सकते हो, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, सॉल्व कर देखो तो नथिंग लाइक दैट। और उसके बाद में जब दो तीन टॉपिक हो जाएंगे सो देन देयर वुड बी अ टेस्ट ऑन संडे ऑल्सो। ये टेस्ट आपको आप ही लिखने का खुद के खुद ही, राइट? और जो टेस्ट हम आपके लिए कंपलसरी करेंगे जो क्लासरूम में आकर लिखनी, वो कब होगी, एवरी संडे टू संडे, बट इट इज नॉट टॉपिक वाइज, इट इज ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ द टॉपिक। सो तीन चार टॉपिक होने के बाद में मैं आपको वचन दे रहा हूं सर जी, जो जो चीजें मैंने आज बताई ये बहुत मैंने सोच के बनाई है, बहुत इस पर मेहनत की है। और अगर तुम सोच रहे हो कि आज का दिन मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं हुआ या मैंने आज कुछ समझा नहीं, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जो मैंने आज आपको बताया ना वो पास होने का तरीका बताया विथ रैंक। व्हाट आई टॉट यू टुडे, टू पास विथ रैंक। क्लियर हो गई बात है? एक बार लास्ट में रिकैप कर लेंगे क्या क्या चीजें पढ़ी, फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे ताकि वो भेजे में घुल जाए, एकदम घोट के ले लेते हैं, ठीक है? आप और मैं अलग अलग है, हम दोनों एक साइड में कि अलग अलग है, ठीक है? तो हम दोनों एक साइड में। आप जब कभी भी इस क्लास में रहेंगे, किसी से भी बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, रिस्पेक्ट से, एक दूसरे के प्रति कैसे रहोगे, रिस्पेक्ट से, यस और नो? थर्ड चीज, मम्मी पापा के साथ में रेगुलरली बात कर उनको अपडेट दोगे क्या?
क्योंकि आपके बारे में और कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपके लिए एक्सेप्ट योर मॉम एंड डैड, जिनको आप अगर कोई चीज बताओगे तो वो सुनेंगे करेंगे, और आपके मन में भी एक कंट्रोल शीट रहेगी कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लास में आओगे तो भूखे पैसे आओगे, जल्दबाजी रस्ते पर करोगे, कहां करोगे, वो भी नहीं करनी चाहिए, राइट। जल्दबाजी करने का घर पर अगर करना है तो रस्ते पर आराम से आओगे। मेरे क्लास में तुम खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? मैं कभी किसी का खाना छीनता हूं क्या? तो तुम तुम्हारा खाना आराम से खा सकते हो, बट इधर कचरा करके नहीं जानेगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा एक और व्यक्ति की इज्जत करता हूं जो इधर साफ सफाई करते हैं, तुमसे ज्यादा, क्योंकि जो काम वो कर सकती है वो मैं नहीं कर सकता। शायद वो पढ़ लिख ले मेरे जितनी तो वो मेरा वाला काम कर सकती है, बट मेरा ईगो इतना प्रबल हो गया है कि मैं उनका काम नहीं कर सकता। तो मैं तुच्छ आदमी हूं अगर मैं उनकी इज्जत नहीं कर सकूं, तो तुमसे ज्यादा एक व्यक्ति की इज्जत करता हूं उनकी। साफ सफाई में जो तुमने घाण किया है, स्वतः ची घाण अपन दररोज अपन स्वच्छ कर दो ना, का कोणी येते बाहर ना तो उसको हॉस्पिटल में रखते, समझ में आ रहा है क्या? सो खुद की गंदगी खुद साफ करने का, छोरी सीधी बैठ जा। नेक्स्ट, पापा मम्मी से बात हो गई, और फिर नेक्स्ट पॉइंट, आपको किन किन चीजों पर ध्यान देने का है, जो आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, वेरी फर्स्ट पॉइंट। अरे नहीं रे, उसके पहले एक पॉइंट लिखा ना, क्या बोल रहे हो? पढ़ाई अपन सिर्फ पीएल में करेंगे, पढ़ाई कितनी करेंगे अपन? तो 9 महीने जब पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में क्या क्या करने का है, हर रोज जो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके नीचे का क्या भरोगे पहले? बॉक्स। और जब आपको वो पेपर देना है उस चैप्टर का, तो उसके पहले क्या भरोगे? इंडेक्स। और जब एसपीसी की एग्जाम होगी संडे टू संडे, उसमें उसका पूरा रिविजन करके उस इंडेक्स के थ्रू पेपर दोगे, यस और नो? और जब आप फाइनल एग्जाम में जाओगे तब उस केस में भी आपको इंडेक्स हेल्प होगी। सीक्वेंस समझ में आ रहा है तुमको? तुम क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? पहले बॉक्स भरने का, बॉक्स भरने के बाद में चैप्टर खत्म हुआ तो आपकी वो जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम, उसको सॉल्व करने के पहले आपको वो शुरुआत की इंडेक्स भर देनी, जिसमें पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन मुझे करने के। फिर आगे चल के आपके एसपीसी की एग्जाम आएगी, बराबर है? जब एसपीसी की एग्जाम आएगी तब आपको पता है कि तुमको क्या क्या पढ़ना है, बस बात खत्म हो गई। आपको एग्जाम देना है, वो संडे को एंजॉय करना है मस्ती में, रोते हुए नहीं आने का मेरे पास, सर सुनो ना मेरे को पढ़ने के लिए और टाइम चाहिए, क्योंकि गधेड़े तूने पहले बराबर नहीं पढ़ा, पहले बराबर वो बॉक्स भरेगा इंडेक्स भरेगा तो तुम्हारा टाइम कम होएगा। टाइम कितने से कम होगा मालूम है क्या? कोई एक घंटे में कर रहा है, ही विल डू इट इन 15 मिनट्स, प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दिस। एक टॉपिक में जैसा बोल रहा हूं वैसा कर लेना, एक टॉपिक। अगर बाकी के लोग एक घंटे में कर रहे, तुम 15 मिनट में करेंगे, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट इन मजाक का मूड, तुम 15 मिनट में करेंगे, मुझे तुम एफिशिएंट चाहिए। ये पॉइंट भेजे में घुसा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यू विल बी टेकिंग ऑन व्हाट? प्रेजेंटेशन, वो सब ठीक है, बट उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? टाइमिंग। सो जब टाइमर लगाया जाएगा तो तुम यू विल फील बैड, यू विल फील लो, यू विल एनकरेज योर सेल्फ कि नहीं मैं भी करूंगा, और मेरी स्पीड स्लो है तो चलता है, बट मुझे सीख कर समझ कर मुझे यह सॉल्व कर ही आगे जाना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? हैंडराइटिंग अगर गंदी रही तो तुम एग्जामिनर के सामने सही से प्रेजेंट हो सकते हो नहीं, इसलिए हैंडराइटिंग बहुत अच्छी चाहिए। थर्ड, प्रेजेंटेशन। वर्किंग नोट नहीं रही तो मैंने तुमको वचन दिया है कि तुम फेल होंगे, मैंने वचन दिया है, वचन कि अगर वर्किंग नोट नहीं करके आए तो फेल हो जाओगे, इसलिए वर्किंग नोट करनी पड़ेगी। किधर करोगे वर्किंग नोट्स? क्लास में, हर एक जगह पे। मुझे फास्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे सही से लिखा हुआ, अच्छे से लिखा हुआ, वो सब चीजें चाहिए। स्केल तुम दूसरे की यूज कर सकते हो एक आध दिन, ठीक है, बट हर रोज दूसरे के लेके आने का, भिखारी के जैसे आने का क्या इधर? स्केल खुद की, पेंसिल खुद का, कैलकुलेटर खुद का, और कैलकुलेशन भी खुद के, समझेगे नहीं दादा? इधर क्लास में ना एक चीज का ध्यान में रखने का, ये बच्चे लोग हमारे घूमते रहेंगे, तुम टाइम पास नहीं कर सकते। एक बात तो बताना भूल ही गया मैं यार, ये कितना बड़ा काम हो गया, कैसे क्या भूल गया मैं? तुम इतने दिन मेरे को मोबाइल पर देख के आए थे, मैं मोबाइल पर अलग है, इधर अलग है, इधर मोबाइल नहीं वापरने दूंगा मैं, मुझे उधर मालूम है तुम क्या क्या करते थे। मेरे को बोलते थे सर मैं पढ़ रहा हूं, और उधर वो मोबाइल लेकर पॉटी में भाग जाते थे, ये इधर मोबाइल नहीं निकाल सकते तुम, इधर मोबाइल अंदर रहेगा, मुझे मालूम है तुमको एडिक्शन हो गया, सर मेरे को बहुत याद आएगी, ना मोबाइल अंदर रहेगा, ठीक है। बाकी बेटा भरोसा मानो, तुम्हारी प्रोग्रेस में ही मेरी प्रोग्रेस है, तुम अगर प्रोग्रेस करते हो तो मैं आगे बढ़ता हूं, तुम पीछे रहते हो तो मैं पीछे रहता हूं। तुम बताओ, तुम में से अगर मेजॉरिटी फेल हो जाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा क्या? तुम पास होंगे तो मैं पास होऊंगा, समझे? अब तुम्हारे हवाले पर ये मंच, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ लो। हाँ, और एक चीज,
चार्ट्स बनाने हैं वो बता दूंगा बेटा, ऑनलाइन लाइव वालों, ऑनलाइन लाइव वालों तुम्हारे भी जो क्वेरीज है वो पूछ लेना। अभी सुन लो ना, क्या क्या बातें और बतानी थी तुमको। हाँ, अभी जहां पर भी आप रह रहे हो वहां पे साफ सफाई का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना, और किसी से झगड़ा मत करना, राइट। सिर्फ हाथ जोड़कर विनती कर सकता हूं, ये काम मैं करता हूं वही करूंगा। जो जो प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है वो बता रहा हूं। तुम्हारे वजह से किसी और को प्रॉब्लम अगर होती है आज, तो फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम देने वाले लोग मिलेंगे। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं रात को नहीं पढ़ सक, मतलब मैं रात को पढ़ूंगा, इसलिए वो लाइट चालू रखते हैं, गाने बजाते हैं और किसी की सुनते नहीं है। मुझे लगता है आप सोचते हो कि मैं बहुत भारी हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं। मुझे लगता है कि आप जितना कोई वीक नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि जीवन में वही बड़े लोग बने हैं जो प्रेम से जीत पाए लोगों को। पावर से कौन, किसके बारे में जानते, कौन पावर से जीता? इनफैक्ट तुम मेंटली बहुत वीक हो। जीतने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही जीते। गौतम बुद्ध कितने जमाने पहले थे, आज तक लोग उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेम से लोगों को जीता। गांधी जी सिर्फ प्रेम से जीता। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर प्रेम बुद्धि इससे जीता। छल कपट पावर तो था ही नहीं उनके पास। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वन विथ वॉट, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ डेडिकेशन, लॉट्स ऑफ नॉलेज। पावर इज इन दिस वर्ड्स। पावर इज नॉट इन अब्यूजिंग द पीपल, पावर इज नॉट इन नॉट फॉलोइंग द व्हाट आई कैन से द प्रोटोकॉल विच इज रिक्वायर्ड। अगर तुम किसी को तंग करते हो, मैं आपको वचन देता हूं और एक चीज का, मैं क्या ही हिसाब करेगा, ऊपर से हिसाब होता है। और यही चीज का डर मुझे बहुत लगता है कि जब मैं क्लास में आके खड़ा होना और मैं तुम्हें थोड़ा सा भी धोखा दूंगा ना, तो तुम्हारा नुकसान बाद में होएगा, बट आई विल गेट डिफीटेड फर्स्ट। तो जब भी इधर आके खड़ा होता हूं ना, तो ऐसा मजा आता है मुझे। आई लिव माई लाइफ हियर एंड मतलब मजाक नहीं बता रहा हूं तुमको। मेरी बैच जब शुरू हुई थी, शुरुआत में चार बच्चे थे, चार भी पूरे नहीं थे, बीच में गायब हो गए थे। सो जब चार बच्चे से, तब से लेकर जो सफर किया है शुरू, और आज हूं, और आज काफी सारे बच्चों को पढ़ाता करता हूं, आपको इतनी सी बात बता सकता हूं कि मैं हर पल जिया हूं जब क्लास में हूं। जब कभी बीमार होता हूं, तब मैं सिर्फ वाइफ को इतना ही बोलता हूं कि मुझे किसी तरीके से, अगर मैं उधर पहुंच गया, इफ आई स्टैंड ऑन द डायस, आई लिव माई लाइफ। एंड आई टेल यू, टुडे इज नॉट डिफरेंट। टुडे ऑल्सो आई हैव नॉट हैड एनी लंच। तुम बोलोगे सर हमको ज्ञान बांटे तुम, आज कुछ हो गई ऐसी परिस्थितियां, कुछ हो गई ऐसी परिस्थितियां जिसकी वजह से आई कुड नॉट हैव माई लंच। बट इधर जब खड़ा होता हूं ना, तब वो कोई चीज याद नहीं रहती। मुझे बहुत मजा आता है, मतलब बहुत मजा आता है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग भी इस पूरी एजुकेशन को, पूरे सीए कोर्स को एक उत्सव के तरह से मनाएं। और मजा आना चाहिए। बिकम महेंद्र सिंह धोनी, सिक्स मारो तो ऐसा नहीं यार, क्या यार हर बार सिक्स मेरे को ही मारना पड़ता है, कितना बोरिंग काम है। हर रोज मैं आता हूं, सिक्स मारता हूं, कोई दूसरा मारता ही नहीं, मैं कितना बोर हो गया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जिंदगी को, इस सीए कोर्स को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करिए। अरे बोर नहीं होएगा तुमको, एक दूसरे को साथ में लेकर चलिए, बोर नहीं होएगा तुमको। तुम जिस दिन एरोगेंट हो जाओगे, तो समझना तुम्हारा दूसरे के साथ नहीं पटेगा। मेरे इस प्रेस्टीज पॉइंट में कभी तुमको मौका मिले तो आनंद भांगड़िया को जरूर ऑब्जर्व करना, पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में कभी मौका मिले तो आनंद भांगड़े को जरूर ऑब्जर्व करना कि इधर जितने लोग मिलते करते हैं, सबसे प्रेम से बात करता हूं, सबके साथ में आराम से मिलता जुलता हूं, लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूं। और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रेम से जीतो लोगों को। क्योंकि मुझे पता है हॉस्टल में तुम ये कांड करने वाले हो, मल्ले को गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है, मैं लात को गाना बजाएगा, मेरी पलाई रात को होती है। अबे फिर तू खुद का घर लेना, उधर जाके रात को पढ़, क्योंकि रात को बाकी के लोग सोते हैं। तुम्हारे बिल्डिंग में जहां पर रहते थे फ्लैट सिस्टम में, तुम ये करते थे क्या? तुम्हारे फ्लैट सिस्टम में रहते थे तुम्हारे घर में, उधर रात को गाना बजाते थे क्या? धड़ा धड़ा पप्पा कैसे पिटाई करते थे मालूम है ना, बाथरूम में बंद कर करके मारते थे ना। फिर ऐसा नहीं करने का इधर, हमको मालूम है तू कितना हीरो है। एग्रीड। सो बस जो कुछ चीजें मुझे पता है तुम्हारे बारे में वो चीजें समझाई, बाकी तुम्हारा दोस्त समझना, फ्रेंड समझना, आई विल बी ऑलवेज देयर। अभी आज मुझे पता है तुम्हारा डे वन है, बट आई विल स्टिल रिक्वेस्ट यू ऑल कि मेरे भाई आ रहे हैं आज,
और आप सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट में उनका स्वागत करेंगे, जिनके वजह से मैं यहाँ पर हूँ आज और जिन्होंने मुझे ये मंच दिया, जिसके वजह से आज मैं इतना पॉपुलर हुआ। तो इतना तो बस बनता है ना यार, मैं भी बजाऊंगा। ओके सो अभी आ जाने दो फिर। बाकी तुमको कोई क्वेरी, कोई क्वेरी, कोई क्वेरी ऑनलाइन लाइव, कोई क्वेरी? अच्छा, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों को एक रिक्वेस्ट है, आगे चलकर क्या होगा कि चैट सिस्टम मेरे सामने होता है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यूअसली बात करते रहना, सो दैट आई अंडरस्टैंड व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स एंड ऑल। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, सो आई टेक केयर ऑफ द स्टफ। ओके सो सभी लोग, मेरा भाई आ रहा है, सभी लोग एक बार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, तालियों में मजा नहीं आ रहा भाई। भाई ये पूजा मैम का लैपटॉप इधर ही मारेंगे तेरे को। ओके हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू जस्ट नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ये सीखी है मैंने मेरे लाइफ में बात। सो आई वुड लाइक टू थैंक स्वप्निल भाई एंड माय होल टीम एसपीसी, जिनके वजह से यू नो आई हैव बीन एबल टू यू नो कम अलॉन्ग विथ यू एंड टीच यू सो वेल, सो सो मच फॉर दिस। यस ओवर टू यू सर नाउ। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोग आनंद सर के लिए एक बार ताली बजा दो। क्या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप लोग को देखकर हमें इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अवेटेड मोमेंट इन आवर लाइफ। इट्स बीन अराउंड यू नो 2 years वी वर वेटिंग फॉर दिस मोमेंट। और आप जानते हैं कोरोना ने किस तरह की हालत कर दी थी, हमें लगता था एक समय में पता नहीं हम लोग लाइव बैच और फेस टू फेस में इतने स्टूडेंट्स कभी वापस से देख पाएंगे या नहीं। सही, सीरियस सर, आपका अनुभव कैसा रहा? सर है माइक मेरे पास। आई टेल यू, अभी आप देख रहे हो मैं क्यों बौखलाहट में हूँ, बिकॉज अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ सर आज। और इतना इतने दिन के बाद नहीं मिले ना, ऑनलाइन लाइव में सुनते नहीं बच्चे, इधर इनको पकड़ पकड़ के बहुत बहुत देर तक बात की मैंने आज, मतलब आई रियली एंजॉयड, आई मीन यू नो नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस सर। तुमको कैसे लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग गाइस? अच्छा हाय सर, हाउ इज द जॉर्ज गाइस? तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को सभी को ऐसे यहाँ पे देखकर, और आज पूरी टीम एसपीसी आपको यहाँ पे शुभकामना देने पहुंची है फॉर क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। सो प्लीज बिग क्लैप फॉर योरसेल्फ एक बार फॉर क्लियरिंग योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग उन सारे तमाम लोगों को स्टेज पर बुलाना चाहते हैं, those we have scored 300 plus in CA foundation, so all of you please come here, those we have scored 300 and plus marks, koi hai is class mein 300 plus? Are koi to hoga, I mean please please come here, please please please, those we have scored ek bar in sabhi bachcho ke liye taali baja, those we have scored 300 plus marks and CA foundation examination, taaliya rukna nahi chahiye in sabhi logo ke liye। सभी लोग यहाँ पे आए, मेनी कांग्रेचुलेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर स्कोरिंग 300 प्लस मार्क्स। बेटा क्या नाम है आपका? आई एम सिद्धि तापड़िया एंड परली। एक बार सिद्धि के लिए डालिए, शी इज फ्रॉम परली महाराष्ट्र। और अंकिता मैम इनको गोल्ड मेडल देकर अपने हाथों से इन्हें सम्मानित करेंगे। एक बार अंकिता मैम और इस सिद्धि के लिए जोरदार तालियां। क्या बात, वेरी गुड। आइए, क्या नाम है आपका? अनिकेत। अनिकेत कहां से हुआ? बारामती। अनिकेत के लिए डाले, अनिकेत फ्रॉम बारामती, एक बार जोरदार तालियां। कितना स्कोर किया आपने? 303। हर्षद सर अपने हाथों से इनको इस मेडल को पहनाएंगे, ही हैज स्कोर 303 मार्क्स। एक बार तालियां। और आप जानते हैं अगर ऑल इंडिया रैंक अगर इस बार डिक्लेयर होता तो ये सारे लोग जो इस समय स्टेज पर, आनंद सर सही बोल रहा हूं, सही बात है, सही दे वुड हैव बीन व्हाट ऑल इंडिया रैंक होल्डर। सो ये सारे आपके सामने जो 300 प्लस है इस बार, अनफॉर्चुनेटली आईसीएआई ने ये सिस्टम बंद करवाया, बट हमारी नजर में सारे के सारे बच्चे जो आपकी क्लास में है ये ऑल इंडिया रैंकर्स। आपके सामने एक बार सभी 500 स्टूडेंट के लिए जोरदार तालियां। क्या नाम है आपका?
चेतन पाटिल कुठून आहे चेतन पाटिल जळगाव यांचा जोरदार स्वागत क्या बात है मैं चाहूंगा आनंद सर इनका सम्मान स्वागत करेंगे मेडल प्लीज आनंद सर के हाथों से गॉड ब्लेस इस बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है बेटा जिससे हम लोग पढ़ते हैं उससे सम्मानित होना यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजा दो और आज मौका बहुत शुभ है आज शिव जयंती है तो एक बार नारा लगाए जाएंगे yes. नारा बोलेंगे नहीं जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र में इसको उत्सव बोल के सेलिब्रेट किया जाता है बेटा आप नेक्स्ट व्हाट्स योर नेम आकाश पटवारी आकाश पटवानी कहाँ से हो पाचोरा महाराष्ट्र आकाश पटवानी पाचोरा महाराष्ट्र खानदेश के लिए ताली बजाए क्या बात है और कितना स्कोर किया बेटा आपने 315 मार्क का स्कोर किया एक बार ताली बजा दीजिए ये स्कोर 315 मार्क्स पूजा मैम अपनी हाथों से इस बच्चे को सम्मानित करेंगे बेटा वी आर सो प्राउड ऑफ यू स्कोरिंग 315 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन इज अ बिग अचीवमेंट सुपर और बेटा क्या नाम है आपका अनय पाटिल कहां से हुआ कोल्हापुर अनय पाटिल कोल्हापुर से आहेत जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत क्या बात बहुत बढ़िया पाटिल साहब के लिए जोरदार ताली और बजना चाहिए भाई पाटिल साहब आए यहाँ पे कितना स्कोर किया 301 नंबर स्कोर किया है आनंद सर के हाथों वापस से इनको स्वागत किया आनंद सर अरे 301 है 201 नहीं नलायक हो क्या कर रहे हैं कैसे लोग कांग्रेचुलेशन मेरे बच्चे और यहाँ पे इनके मार्क्स में तब सुन नहीं पाया पर शी हैज रियली मतलब ये इंडिया के टॉप 10 में होती She has scored 338 marks. बहुत ही बढ़िया सुपर फैंटास्टिक अंकिता मैम आपको कैसा महसूस हो रहा है आज इतने क्राउड को देखते हुए वो बच्चे उधर से बोल रहे ओ माय गॉड शी इज अंकिता मैम ओ माय गॉड ही इज अ ही हर्षद सर जिनको इंस्टाग्राम पे देखते ये वही है हाँ जी ये वही है ओके पूजा मैम अंकिता हर्षद हम सभी लोगों को यंग रखता है इधर अरे एक्सेप्ट कर लेने का रहे अभी ओके हर्षद वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द एक्सपीरियंस व्हिच ही इज हैविंग राइट नाउ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेसब्री से हम लोग इस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि वापस से बिकॉज एक टीचर को सिर्फ कैमरा के सामने पढ़ाना और फेस टू फेस पढ़ाना देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस सो वी आर गोना हैव रॉकिंग टाइम गाइस हर्षद Hi guys, good afternoon. जैसे आप मेरी आवाज अभी सुन सकते हो कि अभी पूरी गला मतलब पूरा बैठ चुका है ये वो जोश है कि आप लोगों को फेस टू फेस में पढ़ाने का मतलब जो एक एनर्जी होती है मतलब जब हम लोग कैमरा ऑनलाइन लाइव में पढ़ाते थे तो भाई पढ़ा रहे और क्वेरीज आप सब बहुत से बच्चे फाउंडेशन में हमसे पढ़े हुए लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू राइट आपने देखा होगा कि किस तरीके से पढ़ रहे पढ़ा रहे बट यहाँ पे जब आप सामने होते हो आपकी आंखों में वो एक जोश देखते हैं हमें एक अलग जोश भरता है आप डे वन है आज आप इतने मोटिवेटेड हो आपका मोटिवेशन देख के हमें एक नया मोटिवेशन आ जाता है सो गाइस बहुत मजा आएगा ये पूरे जर्नी में ये थ्रू आउट 3 months ऑफ ग्रुप 1 एंड नेक्स्ट 2 months ऑफ ग्रुप 2 हम लोग सब मिलके पूरी टीम मिलके सब पूरा फैमिली आप और हम सब फैमिली है तो बहुत मजे करेंगे बहुत रॉक करेंगे और एक सिंपल एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा जितने सिंसियर आज हो ना मतलब आज जैसे कुछ बच्चे डेमो के लिए रुक जरा देखता हूँ कैसे पढ़ाता है ये जैसे आप बैठे हो एकदम सिंसियरली बैठे हो डे वन से ऑब्वियसली कुछ एक हफ्ते भर में आप हमसे कंफर्टेबल हो जाओगे बट एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये सिंसियरिटी थ्रू आउट जब आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो इसको मेंटेन करना राइट सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी कि हम आपको यहाँ पे फेस टू फेस पढ़ा सकते हैं लव यू गाइस थैंक यू अब 2 मिनट अंकिता मैम आपको कहना चाह रही है ऐसा लग रहा है ना कुछ आकाशवाणी हो रही है हेलो गाइस ये बच्चे बोल रहे हैं अंकिता के अंकिता मैम के नाम में पावर है बोले अगली आवाज हो गया ओके
So very good evening to all of y'all. Actually, it's afternoon. A very good afternoon to all of y'all. कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग सब? बहुत अच्छा लग रहा है. आई थिंक द फीलिंग इज म्यूचुअल. इन फैक्ट जैसे सर ने बताया था, दो सालों बाद बैच में जब सामने बच्चा बैठता है, एक अलग ही फीलिंग आती है एंड ऑटोमेटिकली एनर्जी जो है वो आ जाती है. सो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर. इनफैक्ट दो सालों में सच में कैमरा के सामने पड़ाके जो हालत हुई थी, यू कुड हैव नेवर इमेजिन. हम खुद ही जोक्स बोल रहे हैं, हम खुद ही हंस रहे हैं. ये बात सही है. एक्चुअली स्ट्रीमिंग में क्या होता है, 20 सेकंड्स का डिफरेंस रहता है. तो टिल द टाइम द मैसेज रीचेस यू ऑल एंड यू ऑल रिएक्ट, वी आर लाइक इन अ सेकंड वर्ल्ड. हमें सच में हंसना भी है, वो मैसेज आप तक पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है. बट रियली आज जब रियल टाइम हम पढ़ा रहे हैं और आप लोगों के रिएक्शंस देख रहे हैं, आप लोगों के चेहरे देख रहे हैं, एक अलग लेवल की खुशी है एंड अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे देख के. एंड बिलीव मी दैट वी आर गोइंग टू हैव अ रॉकिंग जर्नी थ्रू आउट. एंड वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इज थैंक यू ऑल सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस एंड योर लव टूवर्ड्स अस. वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच. अंकिता मैम, मैं पूजा मैम से कहूंगा. पूजा मैम, दो शब्द इन बच्चों के लिए. बस बिफोर यू स्टार्ट मैम, एक बार बताना है कि जितने स्टूडेंट यहाँ पे इस समय फेस टू फेस में, आनंद सर, इस समय तकरीबन 700 लोग आपको यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग पर देख रहे हैं इस समय क्लासेस. तो सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग है और जो फेस टू फेस है, सभी का फिर से एक बार हमारी ओर से तहे दिल से आपको शुक्रिया. और आप सभी के क्लियरिंग ऑफ योर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जिंदगी में इस मुकाम को हासिल किया. आप आज के बाद में लोग आपको कहते हैं आप क्या करते हो, तो आप ये नहीं कहते मैं सीए, आप कहते मैं सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूं. यू फील यू नो प्राउड अबाउट इट, बिकॉज आज तक आप बोल रहे थे फाउंडेशन फाउंडेशन. एक आपका दर्जा बढ़ गया है, एक लेवल है बॉस. अब हॉस्टल के लोग और पीजी के लोग भी आपको भैया और दीदी के नाम से. सर इधर दर्द हुआ थोड़ा भैया के नाम. भाई एक लेवल आपका ऊंचा हो चुका है और जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में भी है, आपका ध्यान भी उतना ही होना चाहिए. कंटिन्यूअसली आप इंटरेक्शन करते हो फैकल्टीज के साथ, व्हेन यू विल बी एबल टू गेट द रियल टाइम आंसर थ्रू आवर एसपीसी प्राइम एप्लीकेशन. सो दोस्तों आज सर यहाँ पे मैम आप बोलिए फिर मुझे कुछ बोलना है. मैं बोलता ही रह जाऊं. पूजा मैम के लिए एक बार जोरदार ताली यार, क्या बात. इसी तरीके से जैसे आपने फाउंडेशन को क्रैक किया है, आपको सीए इंटरमीडिएट कोर्स भी उसी तरीके से मेहनत करके पार करना है. सो अ फ्यू टिप्स, यू नो, जब आप क्लासेस अटेंड करते हो, एक आपको एडवांटेज है कि आप फेस टू फेस क्लासेस कर रहे हो, तो फेस टू फेस क्लासेस में अंडरस्टैंडिंग, फैकल्टी से इंटरेक्शन ऑलरेडी आपको वो थोड़ा सा अपर एडवांटेज है ही, राइट? सो यू आर ऑलरेडी गेटिंग दैट एडवांटेज, द एनर्जी हियर, द वे द टीचर्स आर गोइंग टू टीच रियल, आपको जो एग्जाम्पल्स हम क्लास में देंगे, आपको जो डाउट सॉल्विंग है, आप गाइडेंस चाहिए तो आप तुरंत हमसे ले सकते हो. तो अब आपको करना क्या है, यू हैव टू फर्स्ट अटेंड दीज क्लासेस सिंसियरली एंड रेगुलरली. ओके, तो पहला होता है आपको प्लान करना है, अटेंडेंस रेगुलरली आपका चाहिए. इतना ही नहीं, आप जो भी प्लानिंग करते हो वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए. एफर्ट्स तो यहाँ पे बैठा हुआ हर बच्चा लेने वाला है, बट क्या सबको रिजल्ट मिलने वाला है? सो यू हैव टू टेक एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, मेक अ प्लान, फॉलो इट कंसिस्टेंटली, एंड लास्ट फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? सो इफ यू फॉलो दीज थ्री थिंग्स, इट विल हेल्प यू टू क्लियर दिस इंटरमीडिएट लेवल वेरी फास्ट, राइट? सो वी आर ऑल, द एंटायर टीम SPC इज वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर हियर एंड वी आर ऑल हियर टू गाइड यू इन दिस लेवल. ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी स्टूडेंट्स. थैंक यू. एवरीवन, सो दोस्तों आप सभी का कहते हैं ना कि हमारी हॉस्टल में एक प्रथा हुआ करती थी कि जब भी कोई नया आता है तो उसका इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम होता है और आप सभी लोगों का इंट्रोडक्शन यानी कि आज रिफ्रेशमेंट पार्टी होना भी ज़रूरी है. तो आज शाम में हम लोग इसी जगह पर आपको मिलेंगे आफ्टर CA इंटर लॉ का लेक्चर. आज मैम का लेक्चर होगा 4:15 के बाद में. इट विल गो टिल 6:30.
6:15 आज थोड़ा सा कम लेंगे, यानी कि शाम को इस आज आज फर्स्ट डे है तो ज्यादा नहीं। नहीं, इनको बैठने की आदत नहीं है सर, उधर लेट लेट के कुछ भी करते थे। अरे सर ऑनलाइन में कुछ भी करते थे बच्चे, हमको मालूम है। सो नाउ आज छोड़ना चाहिए सर, है ना। हाँ, तो आज जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं वो इस पार्टी को महसूस करे और जो मतलब आप नहीं होकर भी हमारे साथ ही है, ठीक है ना। आप लोग दोस्तों आज शाम में यहाँ पे 6 बजे के बाद में आप सभी से एक इनफॉर्मली हम लोग मिलेंगे, हर्षद, पूजा मैम, मैं और अंकिता मैम, अनंत सर, हम लोग सब भी आपके साथ में रहेंगे। एक बार थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल स्टेज पर ला जरूर आना बेटा, क्योंकि उससे हम कंफर्टेबल होंगे, एक दूसरे से चर्चा कर पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है तो उस जर्नी को करने में आसानी होगी। और ना कि सिर्फ हम लोग से, आपकी आपस में भी दोस्ती होना जरूरी है। और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप लोग बहुत अलग अलग जगहों से यहाँ पे आए हुए हो और आपका ये हफ्ता बहुत ज्यादा क्रुशियल है, क्योंकि इस हफ्ते में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आप लोग यहाँ से 6 महीने जाने की बात नहीं करोगे, क्योंकि फर्स्ट इज वेरी क्रुशियल, जहाँ पे आप मम्मी पापा भाई बहन सबको याद करोगे एंड यू मे मिस एवरीबॉडी। तो ऐसा होता है क्योंकि मे बी यू नो यू मे यू नो हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि घर जैसा तो मिलना है नहीं, तो आपको मम्मी की याद आएगी, अपने घर की, अपने रूम की, खाने की, सब कुछ याद आएगी। सो मैं आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज यू नो हेल्प ईच अदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, कितने बच्चे जो जिंदगी में पहली बार बाहर आए रहने के लिए। अरे बाप रे, क्या आप जीवन में पहली बार अपने मम्मी पापा को छोड़ के रह रहे हो? हर्षद कुछ थोड़ा ज्ञान दे दो जरा, हर्षद थोड़ा सा बच्चों का मतलब वो कैसे करें इन बच्चों को पहली बार मम्मी को छोड़ कर आए। हर्षद बोलेगा पार्टी करो कोई टेंशन नहीं है। सी देखो, जब आप लोग यहाँ पे आए हो ना तो आप जैसे हो वैसे ही आपके साथ में रहने वाला जो आपके क्लास का जो कलीग है वो सब एक ही लेवल पे है। तो मैं बस सबसे एक ही मैसेज, मतलब इस एक सिंपल मैसेज मैं आप सबको दूंगा कि आप सामने वाले से, मतलब आप इंडिविजुअली, आप सामने वाले से जो भी आपका फ्रेंड आपके आजू बाजू में है, अभी तो दोस्ती यारी हुई नहीं है आपकी, बट रिमेंबर आप उनसे इस तरीके से बात कीजिए कि आप जैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपसे वो लोग बात करेंगे। आप अगर किसी की रैगिंग करोगे, आप अगर किसी को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आप समझिए दैट इज व्हाट यू विल गेट इन रिटर्न, ठीक है ना। और हम सब यहाँ पे एक फैमिली है, रिमेंबर दैट। सो आप लोग एक दूसरे की हेल्प करो, जैसे सर ने कहा, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करो एंड स्टे यूनाइटेड, स्टे टुगेदर। क्योंकि आप समझिए कि जैसे सर स्वप्न सर हमेशा बोलते हैं कि वंस योर बॉन्ड इज सो स्ट्रांग ना, यू क्वालिफाई, आप दूर का विजन रखो, आप लंबा विजन रखो, वेन यू क्वालिफाई। आज यहाँ पे जैसे अभी सर आपको बताएंगे डेटा कि कितने सारे स्टेट से, अलग अलग सिटी से यहाँ पे पब्लिक बैठा हुआ है। व्हेन यू क्वालिफाई इन फ्यूचर यू हैव अ फ्रेंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। यस यस, क्या बात है, ताली आप सभी के लिए कि आप, हर्षद ने जो बात बताई है बिल्कुल सोला ने सच है, जिसमें आपको इस क्लास में ना के सिर्फ पढ़ने मिल रहा है, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ बिग नेटवर्क फॉर योर लाइफ। और मैं आपको बता रहा हूं, जो फ्रेंड्स मेरे सीए के थे, मैं आपको अभी भी अंकिता उस चीज को विटनेस है, मेरे दोस्त आज भी वही है जो मेरे सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस में हुआ करते थे। और इट्स बीन नाउ यू नो 15-17 years, वी आर स्टिल टुगेदर। जो फ्रेंड्स आपके आसपास में, हो सकता है आपके आखिरी समय तक आपके साथ रहने वाले, यू नेवर नो यार, ये बाजू में जो बैठा ना सच में जिंदगी का ये, क्या ये वही है जिसके साथ मुझे जिंदगी, यू नेवर नो कौन से बंदे के साथ में आपका क्या कनेक्शन जुड़ जाए, मतलब अच्छे सेंस में, ठीक है। सो यू डोंट नो कि कहाँ पे, हर्षद प्लीज कंटिन्यू। यस, सो बाकी तो फिर कनेक्शन आपको जोड़ने हैं आज, कनेक्शन है ना, शाम में मिलेंगे और बहुत सारी इनफॉर्मल ऐसी मस्ती बातें करेंगे, बट रिमेंबर एक दूसरे के साथ रहना क्योंकि सबका साथ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। इस समय यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पर, लगातार मैं कुछ मतलब इस ये बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि सर आज इस क्लास में, सर 21 स्टेट से लोग भारत में से इस क्लास में, एक बार तालियां सभी लोगों के लिए, क्या बात। एंड मतलब इतनी सारी सर, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग तो ऑब्वियसली सर पूरा इंडिया ही होगा, वहां तो एक भी स्टेट नहीं छूटा होगा,
बट इस समय फेस टू फेस में आप लोगों ने इतने दूर आने, सर यहाँ पे सर इस क्लास में जितना मेरे पास डेटा मौजूद, सर नेपाल से भी लोग है, पता नहीं वंदा भी इस क्लास में नेपाल से कोई है यहाँ पे, बेटा खड़े हो जाइए और इधर आओ मेरे पास में। हमने पहले कहा था हमारी क्लास नेशनल नहीं इंटरनेशनल भी हो रही है, तो प्लीज हमें तो दोस्तों इस बंदे के लिए जो लोग महाराष्ट्र के हैं, जे महाराष्ट्र से आए अंदर अंदर घर की आठवन ये येकड़े बगल होगा, ए आजा आजा बेंच पे से आजा, कुछ नहीं। इस बंदे को देखो भाई 2500 किलोमीटर दूर से यहां पे सिर्फ आंखों में सपने लेकर आया है, एक बार तालियां बजा दीजिए इसके लिए। पूजा मैम बहुत बड़ी बात है मैम, गांव छोड़ना, स्टेट छोड़ना और उसके बाद देश छोड़ना, इस बच्चे के पास में सर ऑप्शन नहीं, इसको अगर रोना भी आया तो इसको यही रहना है। ये बच्चा महाराष्ट्र के कहां से बारामती एक घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। कितना जर्नी आपका लंबा रहा, कितने देर टाइम लगा आपको यहाँ पे आने के लिए? ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे दिल्ली तक आने में और वहां से डेढ़ दिन, डेढ़ घंटे फ्लाइट से आया, अच्छा फ्लाइट से। ओके भाई क्लास ये डेढ़ घंटे की फ्लाइट कैसे हो गया यार? ये डेढ़ घंटे कहाँ से कहाँ है? काठमांडू से कहाँ पे पहुंचा? दिल्ली डेढ़ घंटे में आए, दिल्ली से यहाँ 28 घंटे। ओके ओके, मतलब तो दोस्तों ये बच्चा पहले दिल्ली आया, फिर वहां से 28 घंटे का जर्नी करके यहाँ पे पहुंचा है। आंखों में इसके आंखों में देखिए, बताना इसके आंखों में सिर्फ सपने, इधर देख बेटा इसके आंखों में सिर्फ सपने है, इतने दूर ये आया हुआ है। दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर मैं सारे कहीं ऐसे गांव है, कहीं ऐसे शहर है, शायद से आप भी पहली बार सुनोगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, हर किसी व्यक्ति में कुछ खामियां होती है और बहुत कुछ अच्छाइयां होती है। आपको उसकी खामियां नहीं देखना है, वो क्या करता है कुछ नहीं, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन व्हाट हिज पॉजिटिविटी और उस बंदे को अपना दोस्त बनाइए। पूरी क्लास कल से आपके दोस्त बनना चाहिए, सिर्फ अपने ही ग्रुप में एक दो बंदों से बात करना ये सही रवैया नहीं है, ये आदत थी स्कूल की, अब छोड़ दीजिए, ये बचपना था, ये मेरा वो मेरे कुछ नहीं, ये पूरी क्लास अपनी है, इसको अपना फील करेगा। आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हो आप, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, देखो कुछ लोग अहमदनगर से है यहाँ पे, श्रेयस और रोहित अहमदनगर से, यहाँ पे कोई है श्रेयस रोहित प्लीज खड़े हो जाइएगा। उसके बाद में अमरावती से पूरी, देखो इतने लोग अमरावती से बिलोंग करते हैं और बहुत ही लोग, ये मेरा अपना वतन है औरंगाबाद, यहां से भी इतने लोग यहाँ पे इस क्लास में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं कुछ यहाँ पे बागलकोट कहाँ है ये, कितना वक्त है, 5 मिनट है अपने पास, ये 5 मिनट्स मोर, या ओके। प्रेरणा कहाँ, प्रेरणा कहाँ है क्या इस क्लास में? हाय प्रेरणा, ये कहाँ पे है बागलकोट? एक बार ताली बजा दो कर्नाटक से, इधर आओ बेटा। मयंक, मयंक फ्रॉम बहादुरगढ़, कोई है इस क्लास में? बहादुरगढ़ कहां से? इधर आजा बेटा, अकेले में मिलेगी। अरे यार तू क्या बोलते हैं, आइए बेटा, ये हमारे बीच में कर्नाटक, साउथ इंडिया हमारे बीच में है इस वक्त। यहां पे आप में कहा, क्या नाम लिया था मैंने? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहां से? इधर आओ भाई जल्दी से। ए तू डर मत यार, तेरे गांव का नाम इतना भारी है। उसके बाद में बालाघाट से भी कुछ, बालाघाट कौन से स्टेट में आता है भाई? बालाघाट से कौन है? श्रेया, श्रेया बालाघाट कोई है यहाँ पे? आजा बेटा इधर। अरे सभी इसी बेंच पर कैसे यार? आप इधर आओ बेटा, कौन सा स्टेट है आपका? हरियाणा। जरा नाम बता दो लाउडली। हरियाणा बहादुर। अरे लाउडली बोलना है, वो लड़की सुन रही उधर, तू क्या कर रहा है? ये बहादुरगढ़ से है, ये हरियाणा से है, एक बार ताली बजा दो। कहां से हो, कौन सा स्टेट है आपका जी? बालाघाट एमपी, ये महाराष्ट्र और एमपी का बॉर्डर। महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर, एमपी के लिए ताली बजा दीजिए, क्या बात है। उसके बाद में हमारे पास एक, पता नहीं सर कहां से, बांका कहां है भाई? ये बांका, बांखेड़ी, बांका कहां से नाम पता नहीं, कोई है आ जाइए यहाँ पे। उसके बाद में बारामती, जय महाराष्ट्र, यहाँ भी है। उसके बाद में आपके सामने मैं भोपाल आर्ची जैन को बुलाना चाहता हूँ, देख सकते हैं भोपाल से भी लोग यहाँ पे हैं। मैं सेलेक्टिव ना, इतना इतना वक्त मेरे पास नहीं है,
आप देख सकते हैं कुछ लोग बिलासपुर, यहां पे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग एक बार आए। कोई जसराज बिलासपुर है यहां पे? आर्ची, ये आर्ची तो अपनी मूवी वाली आर्ची है। आ जाओ बेटा आर्ची। आर्ची आप फाउंडेशन टॉपर हो? नहीं नहीं इधर आओ, ये दूसरी आर्ची है। एक बार आर्ची के लिए ताली बजाओ, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में यहां पे उपस्थित है। उसके बाद में जितने भी लोग यहां पे बुलढाणा से है, कितने लोग बुलढाणा पे खड़े हो जाओ यहां पे, ये सारे लोग बुलढाणा से एक बार ताली बजा दीजिए। बुलढाणा का गैंग है, देखिए क्या बात है, थैंक यू सो मच। उसके बाद में आपके सामने यहां पे 40 गांव, उसके बाद में चिंचवड़, चिंचवड़ से भी लोग आए। एक है चित्तौर, चित्तौरगढ़ है सर ये, अफजल चित्तौर। उसके बाद में दमन, दीव दमन, कौन है भाई? महेंद्र एम जाट, आओ भाई दीव दमन। आज तक आपने इसको इंडिया के मैप पे देखा होगा, दीव दमन कहां होता है? आओ नजदीक आओ साहब, जरा बताओ कहां से क्या है? यूटी दमन। दमन से है आप? दमन से है हम, वेरी गुड भाई, खड़े हो जाइए, क्या बात है आपको यहां पे। सर अभी इतना देर हुआ, दिल्ली से कोई नहीं आया सर। आशीष राज फ्रॉम दिल्ली, एक बार ताली, आशीष राज कहां है? दिल्ली, दिल्ली के है। अरे आजा आजा आजा, दिल्ली से आया भाई, बहुत दूर से आया इधर, एक बार ताली बजा दीजिएगा, क्या बात है। और जितने भी लोग यहां पे दुलिया से, अपनी जगह पे खड़े हो जाए। दुलिया, ये देखो ये खानदेश दुलिया यहां पे आपके बीच में, एक बार तालियां दुलिया के लिए, सुपर। और यहां पे बहुत सारी आबादी यहां पे दुर्ग से है, दुर्ग छत्तीसगढ़। अभिषेक प्रखर एक बार खड़े हो जाइए, आप सभी का भी इस शो में। देखो ये सर दुर्ग से छत्तीसगढ़ है, इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां, क्या बात है। उसके बाद में सर बहुत देर से राह देख रहा था मैं, उत्तर प्रदेश की हर्षराज सिंह, फरीदाबाद उत्तर प्रदेश, कहां है? आए नहीं अभी, आया आया सर, आया सब आया, हर्षराज। उसके बाद में देखो आप नाम तो बहुत सारे हैं, गांधीधाम, गांधीधाम गुजरात के, गांधी नगर सुना है सर, गांधीधाम यही ना। तन्वी, तन्वी फ्रॉम कोना, दिल्ली से, आप आ जाइए, एक बार ताले बजा दो, हमारे पास में दिल्ली से बंदा है, एक बार ताले बजा दीजिएगा, सुपर फैंटास्टिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पे कोई गांधीधाम से है सर? एक बहुत सारे है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, कौन है? खड़े हो जाए भाई, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, बहुत ताली आपके। गुलबर्गा, आइए आइए, बहुत स्वागत है आपका। ग्वालियर, ग्वालियर से कौन है भाई? हिमांशु अग्रवाल, आइए साहब ग्वालियर से। अरे तालियां तो बजाओ बे, तालियां तो बजाओ, मैं आ रहा हूं। आजा आजा, जरा बोलो अपने बारे में। सर हिमांशु अग्रवाल नाम है, ग्वालियर शहर, बहुत ही मतलब हिस्ट्री उसकी काफी अच्छी है ग्वालियर शहर की, कभी आइए घूमने। सबको लेके जाओ अभी घूमने सर, पक्का सर, आप चलो पहले। अरे क्या बात है। चलो यार, रोहित कुमार हिसार से वापस से, कोई हरियाणा से हमारे बीच में है। अच्छा कोई है जो पंजाब से है यहाँ पे? पंजाब से मिला था। आजा आजा जिंदल, एक बार जिंदल के लिए ताली बजा, ही फ्रॉम पंजाब। जिंदल भाई कहाँ से आप? पंजाब से, पंजाब फ्रॉम बठिंडा। भाई बच्चा बठिंडा से है, एक बार ताली बजा दो। सर इस बार हैदराबाद की गैंग, सर सारे पुष्पा मूवी से यहाँ पे आया डायरेक्ट। इस बार जितने लोग हैदराबाद, एक बार खड़े हो जाइए। गौतम, कोमल, कोटला, क्या बैच है सर, क्या मजा आने वाला। किधर है हैदराबाद गैंग, किधर है? अभी तक आए नहीं है, इल्ले, इल्ले, इल्ले। इल्ले आए नहीं अभी तक, अभी तक आए नहीं है। ओ माय गॉड, इचल करण जी के सारे लोग खड़े हो जाइए। इचल करण जी, इच्छी इच्छी इच्छी, कहाँ है इच्छी वाले? पूरे स्क्रीन पे है ना क्या? लोकेश पटेल, प्रिंस, राघव कपिल, सोमवार को कितने लोग आएंगे? सोमवार को और लोग बढ़ेंगे, वेरी गुड। जबलपुर मध्य प्रदेश के लोग भी आपको दिख रहे होंगे। अच्छा कितने लोग हैं यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल से हैं? एनीबडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल? नोबडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल? एनीबडी फ्रॉम दिस दिस स्टेट, कौन सा बोलते हैं अपना वो स्टेट? उड़ीसा, उड़ीसा कहां से बेटा? उड़ीसा कहां से है आप? रायगढ़ है आप? आप कहां से बेटा? हाँ धर्मगढ़, धर्मगढ़। एक बार ताली यार, उड़ीसा से आए लोग, सुपर, क्या बात। और कौन सा स्टेट है मैं भूल रहा हूं, पता नहीं, जम्मू, जम्मू कश्मीर। अरे एक मिनट मैम, बहुत मैम को बहुत दर्द हो गया, पुणे वाले को कोई बुला रहा नहीं। एक मिनट भाई, पुणे कर लगता बोलो ना। जम्मू कश्मीर जेके, कोई है क्या जेके?
जम्मू कश्मीर कोई बात नहीं है, आए नहीं आज, आए नहीं जम्मू कश्मीर से भी आए वैसे लोग। जितने लोग पुणे से है आप सभी लोग खड़े हो जाए, ऑल ऑल बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम पुणे, एक बार ताली बजा दो यार पुणे के लिए। भाई पुणे में कुछ भी राड़ा हो इनको ही बोलने का। और यहाँ पे खंडवा से भी कुछ लोग हैं, आप देख सकते हो ये पूरी कोलकाता से है ना सर, कौन बोला वेस्ट बंगाल से नहीं है, आए नहीं सर आज। प्रथम जैन कोलकाता आए नहीं, ए इधर हौला है क्या तू, इधर कब से बोल रहा वेस्ट बंगाल से कौन है। अरे सर राजस्थान से बहुत है सर, कोटा विनायक मित्तल, एनीबडी फ्रॉम राजस्थान, आजा बेटा राजस्थान से जितने लोग इधर आए एक बार इस बच्चे के लिए ताली बजा दो, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कहां से यार, कहां से, भूटान बॉर्डर से आए, भूटान बॉर्डर से आए, इंडिया नहीं हो पर भूटान से आए, एक बार ताली बजा दो, क्या बात है। मैंने अर्शद, मैंने पहले ही कहा इस बार क्लास इंटरनेशनल होने जा रही है। कहा है वो पहला दूरा, दूसरा फिरंगी कहा है, कहा है वो बैठे है सर, आप देख रहे हो नेपाल भूटान, बोलेंगे भारत माता की। दोस्तों इन दोनों का आप फिर से एक बार ताली बजा के स्वागत करें यार, इन दोनों को आपको बहुत प्यार देना है बिकॉज वो अपने वतन में आए हुए हैं। बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम आई वी आर ऑलवेज देयर, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। कहां से, कोटा से आप, राजस्थान से, किशनगढ़, एक बार राजस्थान के लिए ताली बजा दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। दोस्तों आज वक्त कम है हमारे पास में, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे से मैं इसको ऊपर बॉम्बे, सर इस बार बॉम्बे से, एक बार बॉम्बे खड़े हो जाओ यार, मुंबई 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 कल्याण ताले, मुंबई मुंबई बॉम्बे 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 बॉम्बे, सर देखो बॉम्बे बॉम्बे कल्याण बॉम्बे ठाणे, ठीक है गोवा, अरे यार सर सर हर एक आदमी का इंटरेस्ट चल रहा है, इनको गोवा देखना है। सर बाकी मत बताओ भाई, एनीबडी फ्रॉम गोवा, ओके मापसा, ये मारगोवा मापुसा मानसा मारगा, नहीं मानसा तो नहीं, मापसा और मारगोवा से है ना कोई, ये मारगोवा तो गोवा का, ये किधर है, इधर सर उधर सर, सर पर्दे के पीछे, नमस्ते ना सर, तेरी मेरी बहुत जमीन है दोस्त, भैया तेरे बिरादरी के बहुत लोग हैं, खड़े तो हो जा इधर बेंच पे, खड़े हो जा इधर, ध्यान से देखना इसको, यही हो है, यही हो, आज के बाद में जिसको भी गोवा जाने का है भाई को फोन लगा, अरे बेटे खड़े हो जा, जनता दिख रही तुझे, बेंच पे खड़े हो जा भैया, बहुत लोग आने वाले, ज्यादा मोटिवेट कर रहे तेरे को। और यहाँ पे मुजफ्फरनगर जो कि यूपी में, वहां से भी बहुत लोग है, नागपुर, आप जानते हैं नागपुर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी ऑफ महाराष्ट्र, अगेन नागपुर है कहां पे, नागपुर, सर कहां पे ये लोग आएंगे कब और फिर कैसे करेगा, हाँ उधर भाई, तुम्हारा नाम क्या है, अनमोल है, ग्रीष्मा है, शुभम में क्या है आप, ग्रीष्मा नहीं, ये अभी बाकी होगा, एनीवेज बेटा बहुत बहुत स्वागत, आप नागपुर से हो, अनमोल, अनमोल अनमोल, ये पूरा नाम अनमोल चौरसिया, आप ही हो बेटा, अनमोल के लिए ताली बजा दो, नागपुर से है, यहाँ पे नांदेड़ से भी लोग हैं, नंदुरबार से लोग हैं, नासिक, न्यू दिल्ली, वंस अगेन न्यू पनवेल, नोएडा, उस्मानाबाद, ये क्लास में सर आपको जो वैरायटी मिलने वाली ना, जो आपको परभणी, परभणी बेटा परभणी, हाँ परभणी, और पटना, बिहार, एक बार बिहार के लिए डाले बजा दो यार, एनीबडी फ्रॉम बिहार या आजा बेटा, एक बार ताली बजा दो इस बिहार के मुंडे के लिए, एक बार ताली बजा दो, क्या बात है, क्या नाम है भाई, जय मुकुंद, क्या नाम है आपका, एक बार शुभम कुमार के लिए ताली बजा दीजिएगा, बहुत बढ़िया, फल्टन है यहाँ पे, पुणे, पुणे रॉक्स अगेन, पूरा ये क्राउड पुणे से है, रायपुर छत्तीसगढ़, आप रायवेर देख रहे होंगे, रोहतक, रोहतक बहुत दूर है, वापस से रोहतक हरियाणा, यहाँ से रोहतक से कहाँ है हरियाणा, ये देख रोहतक से आया बेटा, क्या एक बार ताली बजा दो, रोहतक से आया बच्चा, अरे भाई अपनी फेवरेट जगह भी यहाँ पे ऋषिकेश, यानी कि बहुत दूर से, हाल ही में इस जगह ऋषिकेश से कौन है, ऋषिकेश से बेटा आइए एक बार उत्तराखंड, हमारे बाबा रामदेव की जगह, एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत सुंदर जगह, वैशाली फ्रॉम, सर मैंने बोला था क्लास इंटरनेशनल, वैशाली फ्रॉम यूके, हमारे बीच में उत्तराखंड, उत्तराखंड सर आइए जोरदार, एक बार वैशाली, एक बार आओ बेटा, हाय करो बेटा सबको, उत्तराखंड से आइए, हाय, आज तो आपको सर इस क्लास में ये बहुत सौभाग्य लोग है कि आपको यहाँ से
इतने आप देख सकते हो मेरे तो बहुत सारे शहर का नाम अभी भी नहीं, मेरा सोलापुर भी है एक बार सोलापुर से सगे मुला उभरा तो मुला नहीं मुली आनंद सर का अपना वतन एक बार ताले बजा दो इनके लिए क्या बात मेरे, ये मेरे बच्चे एकदम। और सर यहाँ पे सर दिल्ली के बाजू में सर हरियाणा से सोनीपत भी है, शिवांशु इस सोनीपत एक बार सुखदेव का ढाबा एक बार खड़े हो जाए सोनीपत सर बहुत फेमस जगह है सोनीपत में। और श्रीनगर सर मैं बोला था ना सर श्रीनगर से श्रीनगर है ना शैली चौधरी बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे ठाणे वापी वापी गुजरात से भी है वाराणसी सर मोदी जी के यहाँ से भी लोग हमारे बीच में उपस्थित है मोहम्मद आसिम लारी वाराणसी कौन है वाराणसी उधर खड़े हो जाए बेटा कहां से आया तुम कहा बेटा खड़े हो जाइए वहां भी खड़े हो ना अरे धीरे पंखा है ऊपर हाँ कहां से है भाई ये मोदी जी सांसद है यहाँ से मोदी जी हमारे बीच में एक बार ताली बजा दीजिए। इस तरह से आपको इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से यही समझा रहे दोस्तों कि ये क्लास जो है ना ये बेमिसाल है यहाँ पे विविधता में आपको एकता नजर आ रही होगी एक बार बोलेंगे भारत माता की yeah! और दोस्तों आपको यू आर गोना हैव रॉकिंग टाइम गाइस। सर आपको क्या लगता है क्या मजा आएगा इस बैच में कैसा सर मजा बहुत आएगा और इनको ऐसी सीख वापस कभी नहीं मिल सकती सर मुझे बताओ ना सर इतने स्टेट के लोगों के साथ एक साथ रहना खान पीन अलग कैसे मिलेगा सर मतलब ये IIT में होता है सर Now this is happening here and we are genuinely, genuinely proud of you, sir, because you managed all these things. Thank you, sir. One clap for this guy as well. Thank you, बहुत amazing. जितने भी लोग live streaming से देख रहे हैं, आपका अलग से एक Zoom call हम लोग रखेंगे to have an interaction. Genuinely, मम्मी कसम बोल रहा हूँ. We are going to have rocking time, guys. Don't worry. बस बहुत मजा आएगा और होता क्या जो live streaming के लोग हैं, face to face में इतने students हैं. इनके डाउट से ही आपके डाउट अपने आप भी काफी सॉल्व हो जाते हैं वैसे यू आर हैविंग अ चांस टू यू नो इंटरेक्ट विद अस बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस आपने दिया है बहुत मजा आएगा और आप सभी लोग सर एक बार इनका एक बार तस्वीर ले लो यार आज प्लीज एक बार खड़े हो जाइए मैं तो मैं जो, मैं जो, मैं आप आप कोई नहीं आएगा आ जाना सर बस आप लोग आ जाइए सर एक बार सभी लोगों को बस फोटो में आ जाए ना सब लोग यहाँ पे आपको पूरा हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव आपको दिख रहा है आप इधर आ जाओ मैं अरे अंकिता मैम किधर गई सभी बच्चे लोग आना चाहिए कई सारे लोग नहीं है। कोई बात नहीं मंडे के दिन शाम को निकालेंगे ना ऐसे मुलाकात थैंक यू सो मच गाइस अच्छा एक फोटो और सर आनंद सर के साथ में सब लोगों को कुछ अंकिता मैम के साथ में सबको सेल्फी निकालना है शाम में मिलेंगे माहौल बनाएंगे और पुणे की डायरी शुरू करेंगे है ना ओके नॉट टू वरी गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी एंड वी आर गोना स्टार्ट लॉ इन नेक्स्ट 15 मिनट्स अगले 15 मिनट में लॉ स्टार्ट होगा यहाँ पे और आज मिलेंगे शाम को 6:15 को यहाँ पे इस क्लास में 6:15 to 6:30 ओके Thank you so much, guys. Take care, everybody. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. God bless you all. Thank you. Law ki class isi jagah pe hogi in just next 10 minutes. Thank you. Ah, new student.